हाँ जी रजा भाई, बिल्कुल। मैंने कहा मार्केट खराब है तो एक सेशन किया जाए और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें भी शेयर की जाएं और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया जाए, क्योंकि मार्केट में जो कॉन्फिडेंस खराब करने वाले और पैनिक फैलाने वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा हैं और समझाने वाले काम में। मीर भाई, आपकी आवाज काम है। बिल्कुल अच्छा सही फरमाया मीर साहब आपने। हम भी तो वही 7-8 ग्रुपों में लड़ रहे हैं पैनिक वालों के खिलाफ। नहीं, इंशाल्लाह से आज डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट को लेके, स्पेशली जो फोकस हमारा होगा ना मार्केट के साइकिल को लेके हम फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह से बहुत हद तक आप सबको क्लैरिटी आएगी। और ये वीडियो प्रॉबेबली मैं पोस्ट भी करूंगा यूट्यूब के ऊपर भी। ये हमारा एक पोस्ट ट्रेनिंग सेशन आप कह सकते हैं कि चलें, एक मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मैंने रिसर्च की थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी करूं, आपको कुछ सीखने का मौका भी मिले और कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो, आगे हम मिलके देखेंगे मार्केट कहाँ पे जा रही है, क्या क्या लगती है आगे मार्केट, तो जी इंशाल्लाह से। जी मीर साहब, ये कल मैंने आपको टेक्स्ट किया था, SSL हाइब्रिड का जो इंडिकेटर है वो लग नहीं रहा है। डाउनलोड तो हो नहीं, जाता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लोकल मार्केट हमारी मार्केट में नहीं लगेगा, वो उन मार्केट्स का है, वो उन फॉरेक्स वगैरह के अंदर वो यूज होता है। तो मैं रजा साहब इसके हवाले से भी, वैसे इंडिकेटर्स के हवाले से भी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, मैं कभी भी इंडिकेटर्स आपकी वर्किंग के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। टाइम कंप्लीट हो ले फिर मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि कोई ज्वाइन नहीं कर सके, तो फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं स्क्रीन जरा शेयर कर देता हूँ आपसे। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई, एक बंदा बता दे मुझे जरा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस ओके yes, जी, ओके ओके जी, ओके जी। चलें आज जरा बात करते हैं मार्केट के जरा बिगर पर्सपेक्टिव के ऊपर, ठीक है? डेली और आरली ये तो चलते ही रहते हैं ना कि कल क्या होगा मार्केट, क्योंकि हम लोग जो है ना ज्यादा फोकस करते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होगा, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी मार्केट की वैसे नेचर भी ऐसी है शॉर्ट टर्म, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक एडवाइस मैं आप सबको करना चाहूंगा, जिन्होंने आप सबने ट्रेनिंग लिया माशाल्लाह से और आपने काम भी कर रहे हैं सीख भी रहे हैं साथ, एक मैं एडवाइस आपको करना चाहूंगा। देखें, कुछ दिन पहले एक हमारे ग्रुप की दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि मीर भाई, मैं गैन स्क्वेयर, गैन फैन जो होता है वो टूल यूज करके तो मैं चार्ट पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ, कोई इशू तो नहीं है? तो मैंने उनको कहा कि कर लें आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो कह रहे थे कि सब एक ही स्ट्रेटजी या एक ही टूल को यूज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट करके देख लेता हूँ। अब एक मेरी एडवाइस है आप सब से, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात, जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना वो कोई भी टूल नहीं करता, ठीक है? वो एक पहले नंबर पे मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नंबर दो आपकी रिसर्च कितनी है किसी काम के ऊपर, कितनी डीप रिसर्च है आपकी किसी काम में, वो सिर्फ वो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको याद है ना वो जब सेनेट का मसला हुआ था और 47,000 से मार्केट गई थी, 43,000 के अराउंड थी उस वक्त मार्केट, और 39,000 की काफी बातें हो रही थी, और स्पेशली फिर जब मैंने आपको वो बताया भी था कि हर बंदा वो एक बात कर रहा था, मुझसे पूछ रहे थे कि ये सी लेग बन रही है 39,000 पे, इसका बताएं कि ये सी लेग आपको लगती है कि 39? तो मैं सबको यही कहता था, भाई मुझे नहीं एलियट वेव का पता, मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है? आपकी जिसके अंदर एक्सपर्टीज है उसी के अंदर स्ट्रेंथ बनाएं अपनी, उसी के अंदर प्रैक्टिस करें। मैंने एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस यूज किया, उसके अंदर जो हमारी अपनी जो सेल्फ मेड स्ट्रेटेजीज हैं उनको यूज किया और बॉटम को हमने पकड़ लिया कि जो फोरकास्ट किया कि ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है मार्केट का। अभी तक माशाल्लाह से तकरीबन 7 मेरे ख्याल से टॉप और बॉटम लगे हैं मार्केट के, टोटली जो 27,000 से मार्केट चली है। ये सिर्फ ये जो बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डिफरेंस कभी भी आप देखे ना, जिस तरह से आप मुख्तलिफ लोग चार्ट पोस्ट कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, अब मैंने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया उसके पहले एक चीज मैं आपको बताता था कि
ये इसका क्राइटेरिया है, इसको नहीं बोलना, क्योंकि ये बोल गए तो आप फोकस उस चीज का जो है ना, उस चीज का जो कह लें कि जिसकी वजह से रिजल्ट आएगा, तो वो उस चीज से आप हट जाएंगे, ठीक है। जिस जो क्राइटेरिया, अब देखें मुख्तलिफ अब चार पोस्ट हो रहे होते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको स्क्रिप्ट को देखना है तो सबसे पहले आपने मार्केट को देखना है। मार्केट या पॉजिटिव हो, परफॉर्म कर रही हो, ठीक है, सेंटिमेंट ठीक हो मार्केट का। नंबर टू जो है, उसके बाद फिर आपने देखना है सेक्टर को, ठीक है। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं भी करे तो मार्केट एटलीस्ट न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल मार्केट के अंदर भी काफी स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर आपको सेक्टर देखना, उसके बाद स्क्रिप्ट को देखना, और उसके बाद वो जो क्राइटेरिया मैं आपको स्क्रिप्ट सिलेक्शन का बताया, किस तरह से आपने जाकर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। सिर्फ लाइंस आप लगाएंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये आप स्पोर्ट आएगी, ये स्पोर्ट, तो आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने चार्ट पोस्ट करते हैं और मुख्तलिफ ट्रेंड लाइंस और स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग शायद इतनी बेहतर नहीं होती, वो सिर्फ टेक्निकल के लेवल्स को सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था, सार टॉप और बॉटम्स टोटल जो अभी तक मार्केट ने लगाए हैं, ठीक है, एक यहाँ पे ये टॉप लगा, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम और ये टॉप, फिर ये टॉप, ठीक है, और फिर ये वाला जो अभी बॉटम जहां पे मार्केट चल रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट ये 7 के 7 एक्यूरेटली हमने फोरकास्ट किए थे, और इसके अंदर टेक्निकल्स जो लाइंस हैं और पैटर्न्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिसर्च का है, कोरिलेशंस को देखें कि कहां पे क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्या चीज बार बार इंडेक्स, या वो एक खास कोई भी स्क्रिप्ट है उसके अंदर कौन सा एक पैटर्न है, या फिर कौन सी ऐसी परसेंटेज है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। उन चीजों का कंट्रीब्यूशन इस चीज के अंदर ज्यादा। ये लास्ट सेशन के अंदर जहांजेब ने भी पूछा था ना कि आपने किस तरह से ये मतलब डाइवर्जेंस एडवांस में बता दी कि डाइवर्जेंस बनेगी, या फिर ये टॉप किस तरह से प्रिडिक्ट किया, बॉटम किस तरह, तो ये टेक्निकल से ज्यादा मार्केट को समझना है, और मार्केट और जो इंडेक्स है, प्राइस है, उसके ऊपर आपकी रिसर्च ज्यादा डीप होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तो सबको पता है, जिस तरह से सेकंड सेशन में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप वो कर रहे हैं जो सारे बंदे कर रहे हैं, ठीक है, आपके कोई भी उस आपकी वर्किंग के अंदर एक्स फैक्टर ही नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरह से बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे मार्केट में, जब तक आपकी वर्किंग के अंदर एक्स फैक्टर वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस चीज को आपने ज्यादा फोकस करना है। आज इसी चीज को लेके हम इंशाल्लाह से कुछ रिसर्च है, मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने देखी, इंटरेस्टिंग चीजें मुझे लगी मार्केट को लेके। और मार्केट अभी देखें, आपकी मार्केट का जो टॉप लगा हुआ है ये 27,000 की रैली का, 27,000 से रैली जो चली, तो 49,000 आपकी मार्केट का ये बॉटम टॉप लगा हुआ है, और अभी आपकी मार्केट कहाँ पे है, 47,000 पे, ठीक है, उसी रेंज पे मार्केट अभी चल रही है। मार्केट सिर्फ 2,000 पॉइंट नीचे है अपने टॉप से, ठीक है, और बातें देखें क्या हो रही हैं कि मार्केट, आप अपने जीडीपी को देखें, आप अपने डेट को देखें, वो डेफिसिट को देखें किस तरह से बढ़ रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो फलानी चीजें किस तरह से, वो बातें, ऐसे बातें हो रही हैं जैसे मार्केट उड़ा रहा है 40,000 जा रही है, या इससे भी शायद नीचे जा रही है, और डेफिनेटली ये बातें लोग कर रहे हैं कि मार्केट अब वही हालात दोबारा से पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपको ये सारी चीजें कुछ रिसर्च शेयर करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वहां पर नहीं जाएगी, ठीक है। और साइकिल्स के बारे में हमने एक सेशन के अंदर पढ़ा था, मार्केट के जो साइकिल होते हैं किस तरह से वो कन्वर्ट होते हैं और उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो आपको अगर याद होगा एक मैंने पब्लिकली वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर एक चीज मैंने बताई थी कि जब मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करेगी, जो ये लेवल था 41,500, तो मार्केट का एक नया दौर शुरू होगा, ठीक है, वो ये लेवल था, ये वो लेवल था जहां से मार्केट का साइकिल शिफ्ट होना था, ठीक है, तकरीबन 2 साल बाद मार्केट अपने साइकिल को, मार्केट ने यहाँ पे आके चेंज करना था, जो कि मार्केट अपना बॉटम बना चुकी थी 29,000 से 27,000 के बीच में। अब यहाँ पे आके एग्जैक्टली अगर देखें तो मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया शूटिंग स्टार वॉल्यूम्स के साथ, 2 कैंडल्स यहाँ पे बनी, मार्केट ने रेजिस्ट किया 2 महीने, और उसके बाद इजीली मार्केट उसको ब्रेक करके एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर चली गई। अब ये आपके सामने मंथली चार्ट है, ठीक है, मंथली चार्ट मतलब एक मंथ की एक कैंडल, ठीक है। अब यहां पे अगर मंथली चार्ट पे देखें, थोड़ी देर के लिए डेली चार्ट को छोड़ दें, वीकली चार्ट को छोड़ दें, सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है जो मंथली चार्ट है, अगर यहां पे देखें तो कहीं पे भी आपको इस चार्ट में ये जो अभी मार्केट की अपसाइड चली है और जो न्यू साइकिल मार्केट है शुरू, कहीं पे भी आपको यहां पे वीकनेस नजर आ रही है, ठीक
ठीक है, अगर आप फोकस करें, अच्छा अगर दो कैंडल्स को दिखाएं, आप कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और नीचे वॉल्यूम्स अच्छे लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और नीचे वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं, इन दोनों की सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे ख्याल से। वो क्यों नहीं है, अगर आप याद करें तो ये जो इन्वर्टेड हैमर बना था यहाँ पे भी टोटल कचरे का वॉल्यूम लगा था। कचरे से मुराद KSE 100 के अंदर भी आते हैं, कोई 8 से 10 स्क्रिप्ट हैं जो KSE 100 के अंदर भी आते हैं और मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ पे भी मार्केट जो आपकी है वो मेन बोर्ड के आइटम रुक गए थे और जो कचरा आइटम्स थे वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे और उनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम थे जो KSE 100 में आते हैं, जिस तरह से आपका कह लें कि बाइको है, के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा लॉट केमिकल है और यूनिटी है, ये मुख्य के इलेक्ट्रिक है, ये आपके KSE 100 में तकरीबन 8-10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं और KSE 100 में वो वॉल्यूम शो होता है। यहाँ पे भी वो वॉल्यूम लगे और ये यहाँ पे जो वॉल्यूम लगे थे 49,000 पे, 49,000 के बाद, तो यहाँ पे भी ज्यादा कचरे का वॉल्यूम लगे, यहाँ पे ज्यादा जो वॉल्यूम लगे थे बाइको और यूनिटी के वॉल्यूम्स लगे थे जो आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं, और ये KSE 100 के अंदर ही डेफिनेटली वॉल्यूम्स आते हैं। अब उसके बाद अगर देखें जो मेन देखने वाली चीज है, पहला मार्केट ने यहाँ पे पिलर बनाया, उसके बाद यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, उसके बाद देखिए दो कैंडल्स मार्केट ने बीच में बनाई वोलेटिलिटी वाली, उसके बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू कर दिया ट्रेंड को। यहाँ पे एक और पिलर बना, ठीक है, जिसको मारुबोजु कहते हैं, यहाँ पे एक और बना, अब तीन बीच में दोबारा से कैंडल्स बनी जिनके अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी हुई, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें वो एक प्रोमिनेंट करेक्शन नजर आई, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट ने एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बनाया, एक बड़ा स्ट्रांग मारुबोजू बनाया और तो मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया। पहले दो दफा ये पैटर्न बन चुके हैं, एक दफा यहाँ पे और एक दफा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर देखें तो मार्केट करंटली क्या कर रही है, एक स्ट्रांग मारुबोजू खड़ा है और उसके आगे मार्केट तकरीबन 4 कैंडल्स मार्केट ने बनाई है और उनकी वोलेटिलिटी देखें बिल्कुल लो है, लेकिन अगर डेली के ऊपर देखें तो वो ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है, ठीक है। तो ये चीज आगे आपको बताती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है इन लॉन्गर टर्म, ठीक है। जो मार्केट के साइकिल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि 6 महीने बाद चेंज हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था कम से कम पीरियड जो होता है बेयर साइकिल का वो तकरीबन 18 माह होता है, ठीक है, हमारी 2 साल रही है मार्केट बेयर साइकिल में, और जो बुल साइकिल है उसका कम से कम 3 साल, 3 से 4 साल का उसका साइकिल होता है बुल साइकिल का। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से और इसको कंपेयर करके मैं आपको मैं बताता हूँ, बल्कि एक लास्ट में चीज आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताऊं, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे 1 मिनट ट्रेंड लाइन आपको डेली के ऊपर बना के दिखाई थी और उसकी फिलहाल बहुत ज्यादा अहमियत है जो कि इस लेवल पे करके बन रही है। अच्छा अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गालबन ट्रेंड लाइन वाले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया था, यहाँ से कोविड आया उसकी वजह से मार्केट यहाँ से क्रैश हुई, दूसरी दफा यहाँ पे 47,000 पे मार्केट ने यहाँ पे इसको रेजिस्ट किया, एक डीप करेक्शन मार्केट ने ली थी तकरीबन 10% की, और थर्ड टाइम यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा से इसको रेजिस्ट किया। अभी यही जो लाइन है एक मेजर ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये रोल प्ले कर रही है मार्केट में एक KSE 100 इंडेक्स में एक हार्ड किस्म के रेजिस्टेंस का, और यही वजह है जो अभी मैंने दोबारा से टारगेट एक रिवाइज किया था और बताया भी था कि 49,200 तकरीबन लगती है मार्केट यहां तक अभी जाए और 50 वो 51-52,000 वाला सीन नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना, और अगर इसका टॉप देखें तो अगेन वो तकरीबन 49,200-300 के अराउंड बन रहा है, ठीक है, इसको मार्केट को क्लोज जब तक मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली नहीं करती और स्पेशली वीकली और जो बड़े चार्ट हैं वीकली और मंथली उसके ऊपर जब करेगी तो फिर मार्केट के एक न्यू टारगेट्स ओपन होंगे जो कि वो आगे के टारगेट्स हैं 55,000-62,000 की जो मार्केट है वो इसके बाद शुरू होगी, ठीक है, और उसके लिए मार्केट अभी स्पेस अपने अंदर एक बना रही है। थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, ये मैंने चीजें कुछ निकाल के रखी हुई हैं, इसको पहले देखते हैं। अच्छा जी, ये आपके सामने डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का इंडेक्स है, अमेरिका की मार्केट का एक इंडेक्स है US 30। अब
अगर इसको देखें अमेरिकन मार्केट को, अब एक चीज मैं पहले बता दूं, इकोनॉमीज का कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट निकल के आएंगे, अगर मैं इसको यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ तो ये तो जनाब पहले भी, क्योंकि आपको पता है कि वो जब मार्केट क्रैश हुई थी वो 27,000 पे गई थी, इसी तरह का एक एनालिसिस मैंने दिया था जहां पे मैंने वो सारा फोरकास्ट किया था कि ये वी शेप रिकवरी बनेगी, और जो सारे आर्गूमेंट्स है वो टेक्निकल की बेस के ऊपर नहीं थे। ठीक है, ये उसी तरह से एक मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इकोनॉमीज का कंपैरिजन नहीं है, ये ट्रेंड्स का कंपैरिजन है जिस तरह से तब मार्केट ने हमारी फॉलो किया था। तो ये सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बुल साइकिल चल रहा है, जैसा से मैंने बताया था कि ये जो इयर्स हैं 2021 2022 ये बुल इयर्स हैं, और यहां पे सारी क्रीम होगी, ये 2 सालों के अंदर सारी क्रीम होगी, जो बुल रन की क्रीम होगी ना, जहां पे मार्केट मेनली गेन करेगी, ये 2 साल होंगे। अच्छा, तो अब ये जो मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने US 30 है, तो US 30 जो है वो इस वक्त जो बिफोर कोविड क्रैश इनका जो हाई था ना, जो एवर हाई था वो 29,600 था, और ये अभी तक 20% वहां से ऊपर गेन ले चुकी है। याद रहे कि हमारी मार्केट का जो हाई है वो 53,000 का है, ठीक है, इनकी 29,600। फिर कह रहा हूं इकोनॉमीज का कंपैरिजन नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रेंड्स का और जो साइकिल्स हैं उनका कंपैरिजन करके आगे आपको बताता हूं, और थोड़ी मजीद डिटेल में आगे हम जाएंगे। तो 20% तकरीबन अमेरिका की मार्केट जो है ना गेन ले चुके, जिसको मेनली मोस्टली मार्केट्स फॉलो करती हैं, और जब हमारी मार्केट भी क्रैश होकर रिकवर होती तो उसने भी बाकी सारी मार्केट्स की तरह इस मार्केट को फॉलो किया था। ठीक है, और जब आपको पता है कोई बड़ा पैनिक आता है US की मार्केट के अंदर, कोई 1,000 पॉइंट गिर जाए तो हमारी मार्केट के एकदम से सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली मार्केट्स मैटर करती हैं, इनके ट्रेंड्स मैटर करते हैं। ठीक है, इकोनॉमीज तो डेफिनेटली ये बहुत ह्यूज इकोनॉमीज है, हम इनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर दूसरे नंबर पर हम अगर एशियन मार्केट्स की तरफ आए, दूसरे नंबर पे हम जापान की मार्केट को अगर देखें, JP 225 को, तो अब इनका जो कोविड से पहले जो हाई था प्रॉबली एवर हाई था वो 24,000 था, ठीक है, और वहां से इनकी मार्केट क्रैश हुई थी, और इनकी मार्केट जब रिकवर हुई अभी तक इनकी मार्केट तकरीबन 28% गेन ले चुकी है उस मतलब हाई से ऊपर। ठीक है, और जो इनका एवर न्यू हाई था कोविड से पहले वो 24,000 था, और अभी 28% इनके मार्केट गेन ले चुकी है, ये एशियन मार्केट में आता है। उसके बाद अगर हम चाइना की मार्केट को देखें, शंघाई कंपोजिट को, तो चाइना की मार्केट को अगर देखें तो ये तकरीबन 28% इनकी मार्केट गेन ले चुकी है अभी तक, ठीक है, उस क्रैश के बाद से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इंडिया की मार्केट को देखते हैं, स्पेशली जो हमारा अगर इंडिया की मार्केट को देखें तो इनका एवर हाई जो था, अच्छा मलिक भाई ये जितनी भी मार्केट आपको बताई है, US 30 है, जापान है, चाइना है, इंडिया, चाइना के अलावा ये जितनी भी मार्केट है, US 30, जापान और इंडिया, ठीक है, इनके कोविड से पहले जो हाईज लगे थे वो इनके एवर हाईज थे। ठीक है, जिस तरह अभी इंडिया का एवर हाई कोविड से पहले जो लगा था वो 42,000 था, उसके बाद कोविड आया और क्रैश होगी मार्केट। ठीक है, तो अभी इनकी जो मार्केट है एवर हाई हमारा 53,000 है, तो अभी हमारी मार्केट जो अगर इनकी मार्केट जो देखा जाए, इंडिया की मार्केट तकरीबन 38% गेन ले चुकी है, और दुनिया की इस वक्त सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बनी हुई है, 38% गेन ले चुकी है। अब जैसा से मैंने आपको बताया था कि ये कुछ साइंटिस्ट आएंगे यूट्यूब के ऊपर कि भाई तुम इकोनॉमीज का कंपैरिजन कर रहे हो, तो मैं एक इस हवाले से एक ये भी आपको पॉइंट बताता हूं कि आपके सामने एक और चीज इंटरेस्टिंग रखता हूं इंडिया और पाकिस्तान की मार्केट को लेके। ये आपके सामने हमारी मार्केट, ये मैंने टाइम बेसिकली वो मार्क किया हुआ है, जनवरी 2012 से लेके मई 2017, ये वो टाइम फ्रेम है 5 साल जो गोल्डन पीरियड था बुल रन का हमारी मार्केट का। ठीक है जी, और इसके अंदर हमारी मार्केट ने तकरीबन 366% का गेन लिया है इस 5 साल के अंदर। ठीक है, जो एक ह्यूज बुल रन था 5 साल के लिए। अब इसी तरह से अगर इसको वीकली चार्ट के ऊपर बल्कि यहां पे, यहां से मैंने इसको लिया था 2012 से, जहां से मार्केट प्रॉपरली एक चलना शुरू हुई थी, एक
प्रॉपर एक अप ट्रेंड मार्केट का शुरू हुआ था। 366% का हमारी मार्केट ने 5 साल के अंदर गेन लिया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ अगर इंडिया की मार्केट को देखें तो इंडिया की मार्केट ने इसी टाइम के दौरान, ठीक है, तकरीबन सिर्फ 67% का गेन लिया। हमारी मार्केट ने कितना गेन लिया? 366% का। इंडिया की मार्केट ने कितना गेन लिया? 67% का, ठीक है। अब अगर ये, अगर कुछ लोग अगर कहते हैं कि भाई आप इकोनॉमीज का कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहां पे आपकी इकोनॉमी को कौन से ऐसे पर लग गए थे कि आपकी मार्केट ने 366% का परफॉर्म कर दिया और इंडिया की मार्केट इतना पीछे रह गई, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये आर्ग्यूमेंट देने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली कंपेयर किया जा रहा है, जो साइकिल्स हैं उनके हवाले से वो एक्सप्लेन सिर्फ मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमीज को वो नहीं कर रहा। हालांकि इवन के अगर इस गेन को एक्सटेंड किया जाए, जो इन्होंने टॉप लगाया था 42,000 तक, तो भी इनका जो गेन बनता है वो तकरीबन 135% का गेन बनता है, ठीक है। क्योंकि हमने 5 साल का कंपेरिजन करना है तो हम 5 साल को ही देखते हैं। उस दौर के अंदर इंडिया की मार्केट ने तकरीबन ये 65-70% का गेन लिया था और हमारी मार्केट ने 366% का गेन लिया था। तब भी इंडिया की इकोनॉमी इतनी ही बड़ी थी जितनी आज बड़ी है, ठीक है। अब अपने दोबारा से आते हैं वापस मंथली चार्ट के ऊपर। अच्छा, अभी देखें आपकी जो मार्केट है, इंटरेस्टिंगली वो जो आपका बजट आया था, आपको याद है, बल्कि यहां पे हम ओपन भी इसको करते हैं, और बजट के बाद जो हाइप बनी थी मार्केट के अंदर, जो बनाई गई थी कि मार्केट तो आप रुकेगी नहीं और 50,000 और इससे ऊपर आप मार्केट जा रही है, ये वो लेग थी जो बजट आने से पहले मार्केट ने एक प्री बजट रैली ले ली थी और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई। अच्छा, ये अब वही बजट है, वही इकोनॉमी है, वो सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल टू नेगेटिव है, तो अब उसको रिलेट किया जाए, जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि एक ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा यही चाहता है कि मार्केट बस ऊपर ही जाती जाए, मार्केट कभी भी करेक्ट नहीं करे, ठीक है। और जब मार्केट करेक्ट करती है, बेशक मार्केट एक अच्छी अपसाइड लेने के बाद उसकी करेक्शन ले रही हो, लेकिन लोग उसको किसी ना किसी इवेंट के साथ किसी ना मेरा आवाज बंद हो गई आपकी मेरी तरफ से। आवाज किसी और को मतलब किसी मेरे पास हमारे पास आ रही है, ठीक है, अब ठीक है, माइक को काइंडली म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था कि हमारी मार्केट, अब मेरे जेन से बात निकल गई इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज इंटरप्ट नहीं किया करें मुझे। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो लोग जो है वो रिलेट कर देते हैं, जब मार्केट करेक्ट करना शुरू होती है तो लोग उसको खुद ही से किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हमारे मार्केट के अंदर डेफिनेटली ये एक मसला है जो हमारा रुपी डिवैल्यू हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, अब ये जो डेफिसिट है, ये जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, इनको पता था कि हमारा जो डेफिसिट है ये बढ़ेगा, क्योंकि जब इंपोर्ट्स आपकी ओपन होंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओपन होगी पूरी दुनिया के अंदर, तो ये डेफिसिट आपका उसी जगह पे वापस आएगा, क्योंकि आपका डेफिसिट जो रुका हुआ था वो सिर्फ बेसिकली इसी लिए रुका हुआ था कि आपकी इंपोर्ट्स रुकी हुई थी, बहुत हद तक कम हो गई हुई थी, तो डेफिसिट आपका बढ़ रहा है और आपका जनाब डिवैल्यू हो रहा है, जो रुपी है वो डिवैल्यू हो रहा है, ये सारी बातें निकल के सामने आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अब एक साइकिल चेंज करके 41,500 को चेंज करके मार्केट ऊपर आई है और वापस से वो नीचे जाएगी, वो मार्केट का साइकिल चेंज हो जाएगा और वो सारा कुछ वो दोबारा से रिपीट होने लग पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि साइकिल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है 2-4-6 महीने बाद चेंज होते हैं, वो सालों के बाद चेंज होते हैं और फिर वो लंबा चलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से मार्केट ये टारगेट अचीव करेगी, ये जो बड़े टारगेट्स हैं हमारे आगे 60,000, 65,000, क्या वो बनेगी। और मजे की बात यह है कि आपने भी देखा होगा कि जब भी मार्केट पॉजिटिव होती है और परफॉर्म करना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव खबरें आने लग पड़ती हैं,
ठीक है, तो जब दोबारा आपकी मार्केट देखिएगा रिकवर होगी, रिवाइव होगी, तो ऑटोमेटिकली खबरें आने लग पड़ेंगी कि जनाब आपकी ये चीज इंप्रूव हो रही है, फला चीज इंप्रूव हो रही है। सबसे बढ़ के गवर्नमेंट के पास तकरीबन 1.5 से 2 साल बाकी बचे हैं, गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है वोट लेने हैं, उनको वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ ये जो सब एक ये जो कह लें कि गंद पड़ा हुआ है इकोनॉमी के अंदर, आपका डिवैल्यू हो रहा है जो रुपी है और आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, कुछ हद तक ये मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जारी सी बात है इन्होंने भी वोट्स लेने हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से टारगेट अचीव होंगे, ये मतलब कि आगे जाके क्या न्यूज आएंगी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ये आपके टारगेट्स अल्टीमेटली जो बड़े टारगेट्स हैं, जो मेजर टारगेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपका मंथली चार्ट के ऊपर अभी मार्केट सिर्फ चलना शुरू हुई है, ठीक है, आपकी मार्केट ने अभी सिर्फ स्टार्ट लिया है, जो कि साइकिल आपका चेंज हुआ था तकरीबन 41,500 से। ठीक है, अब इसका थोड़ा मजीद हम इसको देखते हैं वेटेज के हवाले से, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर वेटेज के हवाले से पढ़ा था, वेटेज की अंडरस्टैंडिंग और वेटेज किस तरह से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है उसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, और डेफिनेटली ये भी आपको मजा आएगा इसके बारे में। पहले देखते हैं और बल्कि हम चलते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। अच्छा, आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि 3 सेक्टर्स हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं आपके इंडेक्स के ऊपर, पहले नंबर पे बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, दूसरे नंबर पे बैंकिंग सेक्टर, तीसरे नंबर पे फर्टिलाइजर सेक्टर, ठीक है, अगर चौथे नंबर पे कोई सेक्टर आता है वो सीमेंट आता है, और उसके बाद फिर जो सेक्टर्स आते हैं उनकी बहुत कम वेटेज है। ठीक है, अब सीमेंट वो सेक्टर है जो सेंटिमेंट बनाता है, और जो आपके ऑयल, बैंक्स और फर्टिलाइजर है, ये वो है जिनकी वजह से ज्यादा गेन इंडेक्स लेता है। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, जो बिग 3 बैंक्स हैं उनको जरा देखते हैं, इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपसे शेयर करता हूं। अच्छा, ये आपके सामने HBL का चार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, HBL में जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था, बेसिकली जो हायर लो बना था, यहां पे एक हायर लो बना और उसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था। अब इसका बॉटम क्या था, जहां से इसका ट्रेंड शुरू हुआ था वो था 95, अभी कहां पे खड़ा है HBL, 120 के ऊपर खड़ा है। ठीक है, मतलब कि जो कोविड में जब इनका कोविड के बाद रिकवरी हुई और अप ट्रेंड इसका शुरू हुआ वो 95 से शुरू हुआ था, और अभी तकरीबन 120 पे खड़ा है, सिर्फ 25 रुपए ऊपर खड़ा है। ठीक है, तकरीबन 25% का, 27% का इसने गेन लिया हुआ है उसके बाद। अगर आप और अभी भी अगर करंटली भी इसको देखें तो ये कितनी करेक्शन ले चुका है, करंटली भी अगर हम इसको देखें तो ये 12.5% की ये करेक्शन ले चुका है। दूसरे नंबर पे हम UBL को देखते हैं, UBL को देखिए तो उसका अप ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था 95 रुपए से, इसका भी 95 से शुरू हुआ था और अभी ये खड़ा है 117 रुपए के ऊपर। ठीक है, मतलब 95 का लो है और 117 पे खड़ा है, तकरीबन 20% ऊपर खड़ा है जहां से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ था, वो 27,000 पे जब मार्केट लो बनाया और उसके बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था, क्योंकि यहां पे मैं एग्जैक्ट लो नहीं ले रहा जहां से हायर लो बना था और एक्चुअली में ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाला जो वी शेप रिकवरी होता है ये तो सिर्फ एक रिएक्शन होता है वो डाउन साइड का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 23-22 रुपए ऊपर खड़ा है। इसी तरह से हम MCB को देखते हैं, तो MCB का जो अपट्रेंड शुरू हुआ था वो तकरीबन 145 से और अभी कहां पे खड़ा है, 162 रुपए के ऊपर, 160-162 रुपए के ऊपर खड़ा है, मतलब ये तकरीबन 15-16 रुपए ये ऊपर खड़ा है। ठीक है, अब एक चीज नोट करें कि इनके अंदर एक दफा सोचें कि इनके अंदर कितनी गुंजाइश है यहां से नीचे आने की। ठीक है, पहले एक दफा बाकी के स्क्रिप्ट्स को भी एक दफा देखते हैं, OGDC को देखते हैं। अब OGDC का जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो 84 से हुआ था और अभी OGDC आपका 91 पे खड़ा है। ठीक है, PPL
पीपीएल का अप ट्रेंड शुरू हुआ था 74 से और अभी ये खड़ा है जनाब 80 रुपीस पे। पोल का अप ट्रेंड आपका शुरू हुआ था तकरीबन 250 से और पोल अभी खड़ा है आपका 388 रुपए पे। अब पोल वो है कि जिसने एक अच्छा गेन लिया ई एंड पी के अंदर, बाकी ओजीडीसी पीपीएल का हाल आपके सामने है कि वो तकरीबन 10-10 रुपए या 8-8 रुपए अपने लो से ऊपर खड़े हैं अभी करंटली, ठीक है। एचबीएल यूबीएल एमसीबी आपको दिखाया है वो तकरीबन 20-20% ऊपर खड़े हैं जो उन्होंने अपने लो लगाए हुए हैं, जो 27,000 का इंडेक्स है और अभी आपका इंडेक्स कहां पे है, अभी आपका 47,000 पे इंडेक्स खड़ा है। अच्छा जी, आगे एक दफा देख लेते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर को भी, एंग्रो। अच्छा जी, एंग्रो का जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो इस लेवल से 267 से, ठीक है, और अभी ये कहां पे खड़ा है, ये तकरीबन 292 रुपए के ऊपर खड़ा है, ये तकरीबन 25 रुपए ऊपर खड़ा है जहां से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ था जब रिकवरी हुई मार्केट में। उसके बाद हम एफएससी को देखें, तो एफएफसी का जो अप ट्रेंड था वो 90 से शुरू हुआ था और एफएफसी अभी खड़ा है 105 पे। इसी तरह से दाऊद हरकुलिस को, अच्छा इसका जो अप ट्रेंड था ये प्रॉबेबली ये वहीं पे खड़ा जहां से इसका तकरीबन अप ट्रेंड शुरू हुआ था, जहां पे एक स्लाइटली सा इसने हायर लो लगाया हुआ है 106 रुपए के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में हम ईफर्ट को चेक करें, तो ईफर्ट वो स्क्रिप्ट है जो जिसने फर्टिलाइजर सेक्टर में गेन लिया है 54 रुपीज पे इसका हायर लो था और अभी ये खड़ा है 77 पे, इसने एक प्रोमिनेंट गेन लिया हुआ है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब ये दो स्क्रिप्ट निकले हैं, एक पोल और एक ईफर्ट, ठीक है। काइंडली माइक ऑफ कर लें जिसका भी माइक ऑन हुआ है, किसी का माइक ऑन हुआ है काइंडली अपने माइक चेक कर लीजिए। अच्छा, तो ईफर्ट वो ईफर्ट और दूसरा मैंने बताया आपको पोल, ये से वो दो स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने कुछ गेन लिया है अपने उन बॉटम से जहां से रिकवरी आई थी। ये तीन वो सेक्टर्स हैं जो 53% की कलेक्टिवली इनकी वेटेज है पूरे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है सीमेंट सेक्टर जिसका तकरीबन 6% के, मेरे ख्याल से करीब 6-7% के करीब वेटेज है, ठीक है। एक दफा सीमेंट सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं, सीमेंट सेक्टर के जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं जो जिसकी वजह से पॉइंट्स हिलते हैं, लकी सीमेंट को अगर देखें, अब ये सारी चीजें एक दफा दिखा के ना मैं आपको एंड पे वो चीज समझाऊंगा। 14% तकरीबन लकी सीमेंट करेक्ट कर चुका है अभी तक, और ये लकी सीमेंट के लिए ये बहुत अच्छी करेक्शन है क्योंकि ये जायंट एक कंपनी है, ग्रुप है, और ये कोई इतना मेजरली करेक्ट नहीं करता। अगर प्रीवियसली भी आप देखें ना तो कहीं पे भी इसने इतनी बड़ी कोई करेक्शन लेता नहीं है, यहां पे भी आप देखें तो ये इतनी कोई ज्यादा करेक्शन लेता नहीं, तो इसके लिए 14% ऐसे ही है जैसे डीजी केसी के लिए 25%, ठीक है। इसी तरह से हम डीजी केसी को देखें, तो डीजी केसी अपने टॉप से तकरीबन 28% करेक्ट कर चुका है, ठीक है। मैपल लीफ को अगर देखें, तो 19% मैपल लीफ करेक्ट कर चुका है, पाइनियर को भी टॉप से अगर पकड़े हम 145 से, तो पाइनियर तकरीबन 25% पाइनियर भी करेक्ट कर चुका है। इसी तरह चिराड को भी देखें, तकरीबन 25% वो भी करेक्ट कर चुका है। अब क्वेश्चन ये है, अब जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मोस्टली लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को फोकस कर रहे होते हैं कि ये लेवल टूटा तो आगे इतनी नीचे मार्केट चली जाएगी, जिस तरह से कि भाई मार्केट ने अगर 48,000 तोड़ दिया, ये 47,800 जो तोड़ दिया, तो इसके बाद मार्केट भी 44,000 और पता नहीं 40,000 पे कहीं पे चली जाएगी। अब सिर्फ एक सवाल खुद से उसका जवाब सोचें कि 53% जिनकी वेटेज है जिन सेक्टर्स की, ठीक है, वो ऑलरेडी अपने बॉटम्स के करीब खड़े हैं, उन बॉटम्स के जो 27,000 रुपए लगे थे। बैंक सिर्फ 20% ऊपर है, ऑयल सबसे नीचे है और फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट करीब करीब है,
ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट को जाना है 44,000 40,000, तो इसका मतलब है करंट रेट से इनको मजीद 20-20% या 15-15% करेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सीमेंट जो ऑलरेडी 25-25% करेक्ट हो चुका है, तो इसको इसका मतलब है मजीद कोई 15-15-20-20% करेक्ट होना पड़ेगा। मतलब जो 100 रुपए वाली कंपनी है वो 50 रुपए आ जाएगी, तो इसका मतलब है आपकी मार्केट क्रैश हो गई है। ठीक है, तो क्या ऐसा बुल रन में होता है, जो बुल साइकिल है, सॉरी बुल साइकिल में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको कहता हूं कि जब सेंटीमेंट आपकी मार्केट चलेगी, सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, ऑटोमेटिकली खबरें आने लग पड़ेंगी, जनाब ये चीज पॉजिटिव हुई है, इसकी वजह से आप मार्केट ऊपर जा रही है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। जिस तरह से अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि नेटसोल जब वेरी फर्स्ट टाइम जब नेटसोल चला था ना, ये इस रैली की बात नहीं कर रहा, जब पहली दफा वो चला था 50 रुपए से 150 का हाई लगा था, तब यही थी न्यूज बार बार आती थी कि ये जनाब डॉलर ऊपर गया और अगले दिन नेटसोल अपर कैप, डॉलर ऊपर गया नेटसोल अपर कैप। एवीएम क्यों नहीं अपर कैप होता था, डीआरजी क्यों अपर कैप नहीं होता था? ठीक है, लेकिन नेटसोल अपर कैप होता था। फिर और जब नेटसोल ने अपना हाई लगाया, वो 150 रुपए का हाई लगाया था, 150-160 रुपए, उस वक्त डॉलर 140 का था, फिर डॉलर 170 पे गया और नेटसोल वापस 100 रुपए से नीचे आ गया। ठीक है, बात वही है कि लोग रिलेट सिर्फ करते हैं उन चीजों को। तो आप जरा ये सोचें कि जो सीमेंट सेक्टर के मेन जो मेन स्क्रिप्ट हैं सीमेंट सेक्टर के, वो 25% करेक्ट हो चुके हैं, जो बाकी के 53% जिनकी वेटेज है ऑयल बैंक फर्टिलाइजर, वो ऑलरेडी अपने बॉटम्स के करीब खड़े हैं, जो 27,000 रुपए लगे हैं। तो भाई ये बताओ कि 40,000 रुपए या 42,000 रुपए या 43,000 रुपए किस तरह से इंडेक्स जाएगा? ठीक है, तो फिर अब इसके अंदर अगर हम कहें कि कुछ भी पॉसिबिलिटी बनाओ कि यहां से इंडेक्स कहां से गुंजाइश निकाल सकता है, वो 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं जहां से अगर फिर उनको मार के मार्केट को इतना मार सकते हो तो मार लो। एक है लकी सीमेंट, दूसरा है टीआरजी, ईफर्ट है और मिजान बैंक है। ठीक है, तो आप अगर खुद सोचो, जितना टीआरजी इस वक्त फंडामेंटली मजबूत हुआ है, वो जो पे आउट दे रहा है, मिजान बैंक आपके सामने है फंडामेंटली, लकी सीमेंट आपके सामने है फंडामेंटली, ठीक है, ईफर्ट आपके सामने है फंडामेंटली, ठीक है, तो ये क्या स्क्रिप्ट तोड़ के तो ये मतलब मार्केट को इतना नीचे लेके जाएंगे? तो कोई लॉजिक समझ आती है? ठीक है, क्योंकि हमने मार्केट को पहले फोकस करना है कि हमने मार्केट की डायरेक्शन को देखना है, इन चीजों को समझना है, मार्केट को समझना है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाना है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो एक हॉरिजेंटल स्पोर्ट है, ये हॉरिजेंटल स्पोर्ट आपकी टूटी 110 रुपए वाली, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी मेजर स्पोर्ट आ रही है 84 रुपए के ऊपर, ठीक है, और वही जो कंपनी है उसका रिजल्ट लास्ट टाइम जो आया था नेगेटिव, इस दफा वो ह्यूज प्रॉफिट उसने पोस्ट किया हुआ है। एक मिनट, इसको मैं ये किस तरह, अच्छा, तो आप जिस तरह से मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ISL है, जिस ISL का रिजल्ट आया था, तो ISL का तकरीबन 17 रुपए रिजल्ट, साथ में तकरीबन 6 रुपए उसने डिविडेंड दिया है, ठीक है, तो इनकी रेंजेस भी चेंज होंगी। जिस तरह से मैंने कहा कि पहले ISL 88 रुपीज के अराउंड घूमता था, 95 तक हाई जाता था, तो अब ये अपनी रेंज को भी चेंज करेंगे। जब नीचे वाली रेंज थी पहले 88 वाली, वो तब थी जब इसका रिजल्ट अभी 17 रुपए तो अभी आया, तब इसका मेरे ख्याल से इससे आधा था, ठीक है, तो उस वक्त उसकी रेंज वो थी, तो अब ये अपनी रेंजेस भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव होना और वॉल्यूम्स आने की देर है, ये सारी चीजें डेफिसिट डिवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपकी, जो मार्केट ने इतना परफॉर्म किया है, आपका डॉलर भी यही था, ठीक है, सारी चीजें यहीं पे थी और आपकी मार्केट ने जो परफॉर्म किया है, और आपका जब क्या उसको कहते हैं बजट जब आया, तो सारी चीजें इसी तरह से थी ना, तो जो एक वो बना था सब माहौल के भाई अब मार्केट गई 50,000 और 52,000, ठीक है, और उस वक्त कहा था कि मार्केट में मुहतात होकर काम करें, मार्केट प्री बजट रैली ले चुकी है, ठीक है, ये वो कुछ चीजें हैं कि ये जो कुछ टेक्निकल से हट के आपको चीजें बताई हैं, ठीक है, टेक्निकल इसके बाद फिर आप अप्लाई करें, फिर आपको इन चीजों के साथ, अब एक स्क्रिप्ट है ISL है, ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 95 ब्रेक करता है, मेजर स्पोर्ट जाके आ रही है 80 रुपीज के ऊपर, तो अब जिसने 17 रुपए अर्निंग पोस्ट की है प्लस 6 रुपए उसने डिविडेंड दिया हुआ है, तो 80 रुपए फंडामेंटली समझ आता है। क्यों मैं मना करता हूं आपको कच्चा स्क्रिप्ट के अंदर काम करने से? इसलिए कि जो
आप अच्छे जो स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, इस वक्त बहुत वो चीप रेट्स के ऊपर मिल रही हैं वो चीजें। जब मार्केट चलेंगी तो मार्केट का सारा फोकस ये होंगी, कचरा स्टॉक्स जो हैं, जिस तरह से पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इनके अंदर आप डायवर्जेंस बनने के लिए जा रही है, लास्ट लेग आप कंप्लीट होगी डायवर्जेंस की कचरा स्क्रिप्ट के अंदर, जिनके अंदर मतलब बेसिकली सट्टा हुआ है बड़ा ज्यादा, टैली हो गया, WTL हो गया, GGL हो गया, ठीक है। तो इनकी लास्ट लेग कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर सारा जो फोकस है वो शिफ्ट होगा ब्लू चिप्स की तरफ, जो इस वक्त मार खा के खड़े हुए हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे। और क्योंकि लोग आज को देखते हैं, लोग आगे नहीं देखते कि आगे मार्केट मार्केट आगे क्या लगती है, या मार्केट के जो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो परफॉर्म करती है, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर मार्केट आपकी परफॉर्म करती है, ठीक है। अभी कुछ एक दो और चीजें आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट के हवाले से, इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है जी। उसके लिए दोबारा हम मंथली चार्ट पे चलते हैं, ज्यादा फोकस मैंने मंथली के ऊपर इसलिए किया कि एक बिगर परस्पेक्टिव आपको मार्केट का नजर आए। KSE 100 अच्छा, अब KSE 100 का एक चीज मैंने आपको बता दी कि यहां पे अगर आप मंथली पे आप देखें तो आपको कहीं पे भी वो वीकनेस नजर नहीं आती कि कहीं पे भी इंडेक्स आपका वीक हुआ है। डेली के ऊपर वो सारी चीजें वो क्योंकि वो हम डे ऑन डे बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो यहां पे जितना वो स्ट्रांग ट्रेंड है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, तो ये और जिस तरह से यहां पे कंसोलिडेशन हुई और जिस तरह से दो दफा ये पैटर्न पहले भी रिपीट हुआ है, और यहां पे आप देखें कितनी लंबी कंसोलिडेशन हो रही है, जिस तरह से मैं कहता हूं आपको कि जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी उतनी मार्केट भी उतनी प्राइस भी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर और जब हमारी स्पेशली जो इंडेक्स है वो तोड़ेगा, वो जो मेजर एक ट्रेंड लाइन है जो वो 49,200 के अराउंड बन रही है, उसको डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर जब वो क्लोज करेगा, तो फिर देखिएगा कि किस तरह से अगले जो मेजर टारगेट्स हैं वो सबको तब जाके नजर आएंगे, ठीक है। ये जो आज बातें कर रहा हूं, क्योंकि लोग कोई भी आके सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब का चैनल बनाता है, एनालिसिस करता है, कोई बियरिश व्यू देता है, अगला वो देखने वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा, यार इसको तो ज्यादा ही पता होगा मेरे से, ठीक है, तो ये तो मार्केट को कह रहा है नेगेटिव, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो एनालिसिस होता है वो सिर्फ लाइंस की बेस के ऊपर होता है। और मैंने आपको एक चीज कही थी ट्रेंड लाइन वाले सेशन में भी कि एक जो ट्रेंड लाइन है ना वो किसी भी कंपनी का जो मतलब जिसकी वैल्यूएशन करोड़ों अरबों रुपए के अंदर है, तो वो उसकी प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आपको उससे पहले मार्केट को समझना होगा। अब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज स्क्रिप्ट के हवाले से आपके साथ डिस्कस करता हूं, मजे वाली एक चीज है वो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। DGKC का चार्ट ओपन, हर सेक्टर से एक एक स्क्रिप्ट उठाते हैं और देखते हैं। यहां पे हम दो मूविंग एवरेजेस लगाएंगे साथ में, क्योंकि ये मूविंग एवरेज वो चीज है जो बेस्ट समझी जाती है ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर, ठीक है। हम यहां पे लगा लेंगे दो मूविंग एवरेजेस, बल्कि चले तीन लगा लेते हैं, इसको हम एडिट कर लेंगे। पहले हम 10 वाली रख लेते हैं, उसके बाद 22, मतलब एक महीने की, और उसके बाद 60, अच्छा अभी हमारा फोकस होगा 22 EMA के ऊपर। अब आपके सामने जो चार्ट है वो DGKC का चार्ट है, ठीक है जी। अब एक चीज आपने गौर करनी है जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह से। 2012 से हमारा बुल रन एक शुरू हुआ था, एक प्राइम जो एक पीरियड था हमारी मार्केट का वो 2012 से शुरू हुआ था, जिस तरह से मैंने पहले आपको दिखाया वो साइकिल मार्केट का हमारा, ठीक है। उस फेज में इंडिया की मार्केट क्या कर रही थी वो भी आपने देखा, इंडिया की मार्केट। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज आपको और यहां पे बता दूं, ये भी एक लर्निंग पॉइंट है, बल्कि आपको ये पहले बता देता हूं फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट को भी डिस्कस करते हैं। यहां पे हम चले US की मार्केट को दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगी। क्या हो गया इसको,
ये आ गया। अच्छा अभी एक चीज देखें, जिस तरह से मैं कहता हूं ना, टेक्निकल्स तो एक ही होते हैं ठीक है, लेकिन हर मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ होता है, हर मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। अगर अभी एक चीज देखें, ये US 30 है, डाउ जोन्स है अमेरिका की मार्केट, तो यहाँ पे अगर एक चीज देखें ना और हमारी मार्केट के अंदर देखें, तो आपको कुछ एक डिफरेंस नजर आएगा इनके ट्रेंड्स के अंदर। अब हमारी मार्केट की नेचर क्या है और इनकी मार्केट की नेचर, हर मार्केट की ये मुख्तलिफ होगी चीज ठीक है। अब क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ज्यादा इस पे हमारा फोकस होता है, डेली इसको हम देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इसके पैटर्न ज्यादा विजिबल नजर आते हैं बनिस्बत दूसरी मार्केट्स के। अब यहां पे अगर हम देखें ना, तो एक चीज हमें नजर आएगी कि यूएस की मार्केट ने कोई ना बड़ी करेक्शन नहीं लेती, कोई डीप करेक्शन जिस तरह से हमारी मार्केट लेती है ना एक अच्छी रैली के बाद। यहां पे आप देखें कि इनकी मार्केट जब चलना शुरू होती है तो कोई भी डीप करेक्शन नहीं लेती, यहां पे सिर्फ एक इसने यहां पे ली और उसके बाद थ्रू आउट देखें अभी तक इन्होंने कहीं पे बड़ी करेक्शन ही नहीं ली। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर क्या एक वो ट्रेंड है कि मार्केट एक अच्छी अपसाइड लेती है और उसके बाद डीप करेक्शन, कंसोलिडेशन और फिर अप ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करें कि इनकी मार्केट स्लो चलती है, हमारी मार्केट आप देखें, हमारी मार्केट जब चलेगी तो इस तरह चलेगी, ये हमारी मार्केट है, ये देखें इस तरह चलेगी। आप इसका एंगल देखें इस तरह चलेगी और इनकी मार्केट का एंगल देखें, इनकी मार्केट इस तरह से चलेगी ठीक है। हमारी मार्केट इस तरह चलती है और इनकी मार्केट इस तरह से चलती है ठीक है, इनकी मार्केट बहुत स्लो चलती है। आप उसी तरह से हमारी मार्केट को अगर देखें तो हमारी मार्केट बहुत तेज चलती है, उसके बाद एक डीप करेक्शन और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करती है ठीक है। उन्हीं उनकी जो मार्केट है वो क्योंकि बहुत स्टेबल, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं और डेली बेसिस के ऊपर वो करेक्शन भी लेती रहती हैं। लेकिन हमारी मार्केट जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए कम है और जो एक पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, एक रैशनल ट्रेडर होता है वो यहां पर ज्यादा कमाता है। यहां पर आप जितनी भी मूव मार्केट की देखें वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, रॉकेट की तरह, यहां पर भी आप देखें ठीक है। तो उनकी मार्केट, अमेरिका की मार्केट किस तरह की है, उनकी मार्केट ऐसे चलती है स्लो स्लो, हमारी मार्केट करेक्ट करेगी, कंसोलिडेट करेगी और ऊपर जाएगी, और अभी भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, हमारी मार्केट कहीं पे भी नहीं गई ठीक है। सिर्फ एक सेंटीमेंट वॉल्यूम्स ना होने की वजह से वो नेगेटिव है और लोग जनाब बातें कर रहे हैं मार्केट यहां पे जा रही है, यहां पे जा रही है। जो मैंने आपको सारी वेटेज के हवाले से चीजें बताई, सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताई, इवन के आप आईटी सेक्टर को देखें और उसके अलावा आप ऑटो सेक्टर को देखें, ऑटो सेक्टर का हर स्क्रिप्ट जो मेन आइटम्स हैं, पीएसएमसी है, एचकार है, जीएचएनआई है, जीएचएनएल है, 20-20% इस या 20% से ज्यादा वो करेक्ट कर चुके हैं। सीमेंट सेक्टर 25% करेक्ट कर चुका है और आपके जो हैवी वेट्स हैं, जो तीन सेक्टर हैं, वो ऑलरेडी बॉटम्स के पास खड़े हैं। तो मार्केट को किस तरह से भी लेके जाओगे, 40,000 या 44,000 या 43,000 ठीक है, वो तो या फिर यही है कि जो तीन चार बड़े स्क्रीन जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो मैंने आपको बताया TRG है, MEBL है, लकी है, तो इनको मैनिपुलेट करके नीचे ले जाओ ठीक है। लेकिन वो फंडामेंटली वो भी समझ नहीं आती कि इनको कितना मार देंगे ठीक है। तो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा गुंजाइश नजर आती नहीं है कि ये नीचे जाए। हाँ बिल्कुल ये चीज की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को, अब ये जो बॉटम है ये हर बंदा देख रहा है, ये मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, हजारों लोग और भी देख रहे हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी है मार्केट को यहां पे ब्रेक करवाएं ठीक है, एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हो, नजर आए भाई गई मार्केट, भाई खत्म हो गया भाई, अब तो मार्केट जा रही है, 46,000 भी टूटेगा, 45,000 भी टूटेगा ठीक है। यहां पर मार्केट को कुछ एक आध सेशन लगवाएं और वहां से वापस मार्केट को ऊपर दोबारा से ले जाएं, जो एक फॉल्स, एक जिसको ब्रेकआउट कहते हैं, मार्केट नीचे जो एक मेजर स्पोर्ट को तोड़ के दिखाया जाता है, मेजर जो जहां से डिमांड आपको नजर आ रही होती है बार बार, यहां से डिमांड क्रिएट हो रही है ठीक है जी। तो ये सारी वेटेज के हवाले से, बेसिकली वेटेज को समझना इस सिचुएशन के अंदर ज्यादा जरूरी है ठीक है। और अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ जरा। अच्छा ये अभी आपके सामने एक एक स्क्रिप्ट लूंगा मैं हर सेक्टर से। अब पहला हमने लिया है सीमेंट सेक्टर से DGKC को ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो मार्केट का प्राइम टाइम था 2012 से लेके 2017 तक ठीक है, यहां से हम लगाते हैं जी जनवरी 2012 ये लगाया, मई 2017 ये लगाया। आपने यहां पे एक चीज नोट की है कि जब आपकी मार्केट बुल साइकिल में होती है तो
तो जो 22 EM में है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इसने रिस्पेक्ट किया है, तोड़ा तो कहीं पे भी नहीं है एक दफा भी, ठीक है। यहां पे आप देखें कि उसने उसको पेनिट्रेट किया था नीचे यहां पे इस लेवल पे, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर आके दी। उसके बाद यहां पे भी देखें टच किया, लेकिन यहां से जब उसने बाउंस लिया तो कितना खूबसूरत बाउंस लिया, मतलब इस लेवल से 72 रुपए से जब वो बाउंस उसने लिया तो स्ट्रेट वो 130 रुपए तक गया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, ये आपको एक बिगर पिक्चर दिखा रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये कल एकदम से होने जा रहा है, ये आपको 2022 तक की, 2022 दिसंबर तक की पिक्चर एक दिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर इनके आज रिजल्ट उनसे बेहतर है, जो 2017 में इनके रिजल्ट थे या 2016 में थे, इनके आज अगर उस उन रिजल्ट से बेहतर है तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स अपने उन हाइज को अचीव करेंगे जो 2016 में 2017 में इन्होंने अचीव किए थे। लेकिन कौन से स्क्रिप करेंगे, अगर आपकी वो फंडामेंटली सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कहता हूं कि फोकस आपका अच्छे स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। ये टेली, WTL, GGL, इन्होंने आज नहीं तो कल गिर जाना है, ठीक है। इन्होंने कभी भी वो लेवल्स अचीव नहीं करने जो इन्होंने करने है, और जो स्टेबिलिटी इन्होंने अचीव करनी है वो उन्होंने नहीं करनी, वो हाईली वॉलेटाइल है। जब वो सारा स्टक हो जाएगी अवाम वहां पे और वो पता नहीं उसके बाद एक साल दो साल चलेंगे नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये इन स्टॉक्स का पता है, इनका प्रोडक्ट क्या है, सीमेंट है, इसकी डिमांड क्या है, इस टाइम हाई डिमांड है इसकी, ठीक है। इनकी अर्निंग्स क्या है, बेहतरीन अर्निंग्स है, डिविडेंड्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल एंड पे हर चीज ओके है। और उसके बाद अच्छा, ये जो मेन हमारा टॉपिक है स्क्रिप्ट को लेके, तो यहां पे आपने देखा कि 22 ईएमए को अगर देखें तो इसने बड़ा खूबसूरती के साथ इसने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद जबरदस्त किस्म का एक फिर इसने अप ट्रेंड शुरू किया। अब एक और स्क्रिप्ट देखते हैं, अब कोरिलेशंस ये आपको मैं बता रहा हूं, हम चले देखते हैं INIL को देखते हैं स्टील के अंदर। अब हमने क्या करना है, बुल साइकिल हमारा कब से शुरू हुआ था, 2012 से, लेकिन ये मूविंग एवरेज से कब ऊपर आया, 22 की मूविंग एवरेज से, यहां पे 2013 में ये ऊपर आया, ठीक है। हम इसको 2013 से लेते हैं क्योंकि हमने देखना है कि उसके ऊपर ये कब चलना शुरू हुआ है, ठीक है। 2013 से पकड़ा हमने जो साइकिल है वो मार्केट का फोकस करना है कि मार्केट का साइकिल कहां पे जा रहा है, किस तरफ चल रहा है, क्योंकि स्टॉक जो इंडिविजुअली उसके अंदर तो बहुत फ्लक्चुएशन आती है, उसको मतलब कुछ बंदे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को मूव करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके अंदर पार्टिसिपेशन हर बंदे की, हर इंस्टीट्यूशन की है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम इसका देखें, जो टॉप लगा वो उसी तरह से मई 2017 में लगा, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप एक चीज कॉमनली देखें इसके अंदर भी, तो कितना नाइसली इसने मूव किया है 22 EMA के ऊपर, जो कि एक महीने की मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। और कितना खूबसूरती के साथ इसने प्रॉपरली यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, और उसके बाद ये उसकी अपसाइड थी 350 रुपए तकरीबन। और उसके बाद जब वो दोबारा नीचे आया तो यहां पे भी आके पहले आपको पता है कि यहां पे फिर वो हमारी इकोनॉमी सारी मेल्टडाउन वो आया, जो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग पड़े, आपका ये जो रुपी डिवैल्यू होने लग पड़ा, वो सारी चीजें, पनामा और वो सारा जो एक नॉइज थी, पॉलिटिकल नॉइज थी, उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। तो आपने अब यहां पे देखिए, वेरी फर्स्ट टाइम जब उसने 22 EMA को टेस्ट किया तो उसने यहां पे पेनिट्रेट भी उसको किया, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर आके दी, और यहां से उसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाया हुआ, वो जो हमारा हुक पैटर्न का जो एक स्ट्रेटेजी है वो भी इसने यहां पे एक पूरी की। उसके बाद फिर एक पूरी मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। अब देखें दोबारा से जब ऊपर आया, अब इसका अप ट्रेंड अभी जब दोबारा से शुरू हुआ, जब मार्केट रिवाइव होना शुरू हुई, ठीक है, तो बुल रन तो हमारा जो बुल साइकिल है वो तो 41,500 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है, यहां पे ऊपर आया वेरी फर्स्ट टाइम ये 22 EMA के करीब 120 पे, यहां पे आके उसने इधर से आके रेजिस्टेंस ली है, दूसरी दफा फिर इधर से आके उसने रेजिस्टेंस ली, दो दफा उसने 22 EMA को रेजिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली देखें कि उसी EMA को उसने कितने मैसिव वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक दिया, ठीक है। अब इस ईएमए को उसने छोटे वॉल्यूम्स के साथ क्यों नहीं ब्रेक किया, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ क्यों नहीं ब्रेक किया, अब इसके पीछे वजह थी, इंपॉर्टेंस इसकी थी, तो उसने इसको हैवी वॉल्यूम के साथ इतने बड़े ग्रीन पिलर के साथ उसने ब्रेक किया। और एवरेज देखें वॉल्यूम की, एवरेज है 12 मिलियन, लगा कितना 42 मिलियन, 200-250% का वॉल्यूम इसके ऊपर ज्यादा लगा, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट
आगे फिर एक पिलर बना हाई वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद फिर एक बीच में कंसोलिडेशन हुई। अब यहां पे जो कंसोलिडेशन है डेली के ऊपर, वहां पे एक करेक्शन हमें नजर आई होगी, ठीक है, जो कि वो क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की नेचर ही है कि वो डे ऑन डे बेसिस के ऊपर ही देखते हैं कि भाई आज मार्केट ऊपर है तो भाई तेजी है, आज मार्केट नीचे है तो अब भाई मंदी है, ठीक है। तो उसके बाद 3 महीने यहां पे कंसोलिडेशन हुई, और उसके बाद फिर ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ उसने दोबारा से पिलर्स बनाए। अब ये देखें, अब मैं आपको मंथली एक चार्ट दिखा रहा हूं, मंथली एक व्यू, एक लॉन्गर व्यू जो दिसंबर का आपको बता रहा हूं, 2022 का, इलेक्शन से पहले तक कह सकते हैं आप, जो एक साइकिल अब आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह से करेगी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अब आगे उसने फिर मारू बजू बनाया हाई वॉल्यूम से, आगे फिर मारू बजू बनाए और जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर देखें एक रेड मारुबोजू बना, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर देखें स्पिनिंग टॉप, यहां पे अच्छा वॉल्यूम था। उसके बाद फिर अब यहां से फिर इसका वॉल्यूम जैसे साइडवेज हुआ, ये सारे वॉल्यूम ड्रॉप हो गए, और ये एक चीज आपको इंडिकेट कर रही है कि ये कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है 22 EMA की जो मंथली के चार्ट के ऊपर, क्योंकि जब साइकिल शुरू होता है तो जो स्टॉक्स हैं वो आपको 22 EMA से नीचे ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएंगे, बहुत रेयर स्टॉक्स होंगे, और वो भी अगर क्लोज भी करेंगे एक आध कैंडल को तो वो इवेंचुअली उसके बाद ऊपर चले जाएंगे और फिर ऊपर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके आएंगे। तो एक तरीका तो ये है, इसको फोकस करना है। दूसरे नंबर पे आपने किस तरह से ये आगे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी देखें अभी कचरा चल रहा है, आपकी जो मेन मार्केट है वो रुकी हुई है, आपके पास टाइम है, वर्किंग करें अच्छे स्टॉक्स के ऊपर, वर्किंग करके रखें, और जब फिर मार्केट चले फिर आपको वर्किंग नहीं करनी पड़े, आपको पता हो कि मैंने क्या कर रहा है, बस मुझे ये एक क्लिक करना है और ये बाय करना है या सेल करना है, बस आपको वो सारी चीजें तैयार हों, ठीक है। वो भी आगे जाके आपको एक दो चीजें उसके हवाले से भी आपको बताता हूं। अब देखें यहां पे अब एक अच्छा वॉल्यूम लगा, स्ट्रांग मारुबोजू, कोई विक नहीं टॉप के ऊपर बनी हुई, ठीक है, स्ट्रांग है। उसके बाद फिर सारा वॉल्यूम ड्रॉप है और सारी जो एक्टिविटी हो रही है इस मारुबोजू के टॉप और बॉटम के बीच में हो रही है, और वॉल्यूम यहां पे अभी सारा ड्रॉप हुआ है। और अभी अगर देखें तो आपका INIL भी है वो 22 EMA पे तो ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन इसके करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है, अभी 199 रुपए के ऊपर प्राइस चल रही है और आपकी 22 EMA 171 पे है। अब इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल भी समझना कि अगर 22 EMA पे ये ट्रेड नहीं हो रहा तो ये 22 EMA पे आएगा। अगर एक स्टॉक के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, उस वो जस्टिफाई कर रहा है उसका रिजल्ट उसकी प्राइस के साथ, तो ऐसा नहीं, आपने वो एनालिसिस आप और चार्ट देखें, वीकली को देखें, डेली के हिसाब से एनालिसिस करें, जब वहां पे ट्रिगर बने उसके हिसाब से आप एंट्री लें, लेकिन मेजर लेवल्स जो हैं ऑनवर्ड्स मंथली के ऊपर मार्क करके बैठें कि ये मेजर सप्लाई जोन है, ये मेजर डिमांड जोन है मंथली के ऊपर, क्योंकि जो मंथली के ऊपर मेजर डिमांड जोन होगा, मेजर सप्लाई जोन होगा, उसका इंपैक्ट आएगा डेली के ऊपर भी उसी तरह से आएगा, वीकली के ऊपर भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन डेली के ऊपर जो डिमांड जोन है या डेली के ऊपर जो सप्लाई जोन है उसका इंपैक्ट मंथली पे कोई नहीं है, क्योंकि मंथली का चार्ट ऐसा है जिस तरह हाथी होता है, ठीक है, और डेली का चार्ट ऐसा है जिस तरह से एक गोट होती है, बकरी होती है, ठीक है। तो जो डेली जो मंथली के डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन है वो बहुत मेजरली रोल प्ले करेंगे डेली के चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर आपने फोकस करना है। सेकंडली ये जो आपको 22 EMA वाली चीज बताई है कि मार्केट जो है जब बुल साइकिल में होती है तो ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करते हैं 22 EMA पे वीक मंथली के ऊपर, ठीक है, ये अभी हमने INIL को डिस्कस किया। आगे आप क्विकली जरा चलते हैं और देखते हैं मैपलीफ को अगर हम देखें, मैपलीफ भी बेशक है तो सीमेंट का पहले सीमेंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मुझे जो मैपलीफ की लगी थी कि मैपलीफ भी अपना 22 EMA के करीब करीब खड़ा है। अब यहां पे अगर एक चीज देखें मैपलीफ को भी, तो मैपलीफ ने भी नाइसली यहां पे एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छी अपसाइड दिखाई थी, और जहां पे इसने सपोर्ट ली थी तकरीबन
₹24 पे, और उसके बाद हाई उसका तकरीबन 83 पे लगा था। लेकिन फिर ये कह रहा हूँ कि याद रखना है ये मंथली चार्ट है, ये वीकली या डेली का चार्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जब उसने नीचे ब्रेक किया, जब एक मंदी और वो बेयर साइकिल शुरू हुआ, तो यहाँ पे उसने देखे उसको रेजिस्ट भी किया हुआ है बहुत खूबसूरती के साथ, रेजिस्ट किया और फिर उसके बाद उसको उसने ड्रॉप भी किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें यहां पे इस लेवल पे इसने वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे लगाए इस मारुबोजो पे, और उसके बाद फिर इवेंचुअली उसने उसको ब्रेक किया। और अगर अभी मैपल लीफ को भी आप देखें तो मैपल लीफ भी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही चल रहा है, इसको हम यहां पे पैरेलल चैनल लगाते हैं। तो ये बेसिकली मेजर लेवल है मंथली के ऊपर मैपल लीफ के लिए, ये वो जोन है जिसके अंदर मैपल लीफ चल रहा है, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप लगाएंगे ना तो आपको ये कैंडल्स नजर आ जाएंगी, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भी अच्छा खासा उसने रेजिस्ट किया था इन कैंडल्स पे। यहां पे भी देखें अगर एक वो शूटिंग स्टार बना, यहां पे फिर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना हुआ है, ठीक है। और ये इसकी बहुत ही स्ट्रांग जो सपोर्ट बनी। अब यहां पे देखें 22 EM में कहां पे आ रही है, 22 EM में उसकी आ रही है जनाब ₹40.38 पे, ठीक है। और इसी लेवल के करीब देखें यहां पे दो मेजर हैमर्स भी बने थे, ठीक है। मतलब कि ये एक इसका मेजर डिमांड जोन है मंथली के ऊपर, ठीक है। और वो कौन सा लेवल है, तकरीबन आप कह लें कि ₹39 का। अच्छा, अब ये जिस तरह से मैंने आपको पिछले स्क्रिप्ट के अंदर भी बताया कि इस तरह की भी चालाकियां ये करते हैं कि ये नीचे उसको पेनिट्रेट करवाया, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो मंथली के ऊपर मेजर जोन है या फिर 22 EM में है, अगर उसके नीचे प्राइस जाती भी है, ड्रिल भी करती है, तो अल्टीमेटली वो अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, वॉल्यूम्स उसके अंदर लगते हैं, ये GGL टाइप का आइटम नहीं है या टैली टाइप का आइटम नहीं है, तो वो मंथली क्लोजिंग उसके ऊपर आके देगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर मार्केट को देख रहे होते हैं, डेली के चार्ट के ऊपर, तो वो हम कहते हैं ओहो ये तो ₹39 के नीचे क्लोज कर गया, ठीक है। तो वो मंथली के ऊपर वो स्लाइडली सा सिर्फ नीचे जाएगा और नीचे विक बना के ऊपर दोबारा से क्लोज कर देगा। ये हमने देख लिया मैपल लीफ को, और मैपल लीफ भी उसी लेवल के करीब, और जो जो स्टॉक इस लेवल के, मतलब के इस मूविंग एवरेज 22 EMA के करीब ट्रेड हो रहे हैं जो स्टॉक्स, वो बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हैवीली कंसोलिडेट हो रहे हैं एक बहुत अच्छे और मेजर अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली इन्होंने वही अपने इंशाल्लाह से हाइज दोबारा से बनाने हैं और उसी साइकिल को रिपीट करना है। इसी तरह से आगे हम चलते हैं नेटसोल की तरफ। अच्छा, आप नेक्सोल को भी देखें तो इसने भी उसी तरह से बहुत नाइसली इसने रिस्पेक्ट किया है 22 EMA को। यहां पे अगर सारा देखें तो बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है, इसी तरह से वो उसने उसको रिएक्ट किया हुआ। और अब यहां पे देखें एक ह्यूज मारुबोजो बना, उसने नीचे उसको ब्रेक किया और उसके बाद यहां पे फिर उसने इस कैंडल पे रेसिस्ट किया। फिर यहां पे देखें उसने जब एक अच्छी रिकवरी दी ₹46 से लेके ₹70 तक, ठीक है। तो यहां पे भी उसने कितनी खूबसूरती के साथ उसको रेजिस्ट करके, तो कितना शार्प एक ड्रॉप दिया हुआ है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस साइड पे भी जब इससे प्राइस नीचे बेयर साइकिल में भी चल रही होती है, ये वो कोविड क्रैश वाला टाइम है, तो उसके उस टाइम पे भी इसको रेजिस्ट भी उतनी अच्छी तरह से करता है, ऑनर भी उतना अच्छा ही करता है, ठीक है। जिस तरह से मैपल लीफ के अंदर INIL के अंदर भी दिखाया कि जब वो नीचे ब्रेक करके बेयर साइकिल में जब वो स्टॉक्स गए हैं, मार्केट गई और उसके बाद स्टॉक्स ने फॉलो किया, तो उन्होंने रेजिस्ट भी कितनी अच्छी तरह से, रिस्पेक्ट भी उस चीज को किया। और अभी आप इंटरेस्टिंग एक चीज देख रहे हैं कि जहां से जब एक ट्रेंड शुरू हुआ और सिर्फ 4 महीने के अंदर ₹60 वाला शेयर ₹300 पे गया, तो वहां से एक क्रैश आया, ₹300 से वो क्रैश हुआ और ₹130 पे आया। और मजे की बात देखें कि वो दोबारा से वो 20 EMA के पास, 22 EMA के पास आके उसने ब्रेक लगाई, एग्जैक्टली 22 EMA, ठीक है। अब इसने जो लो लगाया था, लो तकरीबन इसने लगाया ₹127 का, और उस वक्त 22 EMA जो थी वो 125 के ऊपर थी, 125 के ऊपर आपकी
22 EMA थी और उसने लो 127 का लगाया था, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उसने उसको हिट किया। और उसके बाद अभी देखें कि वो क्या कर रहा है, कि वो भी उसी तरह से कंसोलिडेशन के अंदर अब चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर एक चीज देखें नेटसोल के अंदर, तो नेटसोल बेसिकली मंथली पे अगर देखें तो ये अप ट्रेंड में है। किस तरह से, कि ये इसने एक हाई लगाया, उसके बाद ये एक उसने करेक्शन ली, और उसके बाद फिर उसकी दोबारा से रिवाइवल की यहां से एक पॉसिबिलिटी है जब वो अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगा, वो जब भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जी GHNI को ऑटो के अंदर। अब GHNI को भी अगर देखें तो साइकिल के हिसाब से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था 2012 में, तो वैसे भी इनके पल्ले कुछ था नहीं, उसके बाद ये 2014-15 से ये रिवाइव होना शुरू हुए थे ऑटो सेक्टर स्पेशली। तो 2017 के मई तक, तो यहां से अगर इसका एक सारा वो देखा जाए, एक जो बुल साइकिल था मार्केट का, तो इसने भी अगर देखा जाए तो इसका तो बहुत ज्यादा गैप रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक है, जब चलता है तो बहुत एग्रेसिवली चलता है, तो इसका तो मोमेंटम ही इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि ये करीब आया ही नहीं 22 EMA के। ठीक है, ये कहीं पे आया ही नहीं, और उसके बाद फिर इसने यहां पे एक इसको ब्रेक किया था और एक पुल बैक लेके, और उसके बाद दोबारा से नीचे गया। तो मतलब कि हमने जो जिस पॉइंट को लेना है, जिसको हमने फोकस करना है, हमने फोकस करना है इस चीज को कि जब भी स्टॉक जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जब वो बुल साइकिल में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 22 EMA को बड़ी खूबसूरती के साथ रिस्पेक्ट करते हैं। अगर बहुत करेक्शन आ जाए तो उसके करीब चले जाते हैं, करीब जाके उसको रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर आ जाते हैं, या अगर बहुत स्ट्रांग ट्रेंड हो तो इस तरह वाली सिचुएशन होती है, ये जो आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से अभी आप देखें GHNI को अगर, तो आप देखें GHNI यहां पे जब उसने 22 EMA को ब्रेक किया, कितने खूबसूरत वॉल्यूम्स के साथ किया। एवरेज थी जो यहां पे वॉल्यूम की वो 9 मिलियन थी, और लगा कितना 35 मिलियन। ठीक है, तकरीबन 250% का ज्यादा वॉल्यूम यहां पे लगा, जिस जहां पे आके उसने अपनी 22 EMA को ब्रेक किया ऊपर की तरफ। और कितनी देर बाद उसने किया, यहां पे वो नीचे आया था 2018 में इसने नीचे ब्रेक किया था, और उसके बाद ये तकरीबन 3 साल के बाद इसने इस लेवल को ऊपर की तरफ हाई वॉल्यूम के साथ बड़े एक ग्रीन पिलर के साथ ब्रेक किया है, और उसके बाद फिर एक ग्रीन पिलर बनाया हाई वॉल्यूम के साथ। और अभी आप यहां पे आप पिक्चर क्लियर, आपको उम्मीद है क्लियर होती नजर आ रही होगी कि क्या हो रहा है अभी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर राइट नाउ। आप यहां पे देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ वो 22 EMA को उसने सस्टेन किया हुआ है। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम इसने जब करेक्शन ली थी GHNI ने, और ये 210 तक गया था, ये वो लेवल था। अब ये वो चीज है जो आपको मैं समझा रहा हूं कि ये पेनिट्रेट भी उसको करते हैं, कि इसको नीचे ब्रेक करवाया, क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं डेली चार्ट्स को। ठीक है, यहां पे आप देखें कि उन्होंने पेनिट्रेट करवाया, यहां पे नीचे वो गई प्राइस 210 रुपए पे, लेकिन क्लोजिंग कहां पे आके हुई, क्लोजिंग उसकी आगे हुई 252 रुपए के ऊपर, मतलब कि 40 रुपए ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी, मतलब कि तकरीबन उसने 20% अपने लो से ऊपर जाके क्लोजिंग दी सेम मंथ के अंदर, और 22 EMA को बरकरार रखा। यहां पे भी देखे उसने नीचे उसको पेनिट्रेट किया, लेकिन ऊपर आके उसने क्लोजिंग ऊपर आके दी। यहां पे भी देखे थोड़ा सा उसने नीचे विक बनाई, क्लोजिंग ऊपर आके दी, और उसके बाद अभी तक आप देखें वो जो सारी चीजें कर रहा है, और ये आपको एक क्लियर कट आपको इकोमुलेशन बता रहा है कि इकोमुलेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आप देखें, इस चीज को आप सिर्फ फोकस करें, और उसके बाद ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको फोकस करें कि कितने हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं, और आगे जो कंसोलिडेशन होती है, जिस तरह से आपको मैंने वॉल्यूम की जो स्ट्रेटेजीज बताई थी, मेनली जो आपको चीज बताई थी, जब भी आपके वॉल्यूम्स इस तरह से स्लो डाउन हो जाएंगे करेक्शन के बाद, तो वो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन होगी, और जितनी बड़ी कंसोलिडेशन उतनी बड़ी अपसाइड। ठीक है, और यहां पे आप खुद सोचें कि जब इसकी कंसोलिडेशन यहां पे कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। ठीक है, आप वो खुद अंदाजा इस चीज का लगाएं कि इसकी कंसोलिडेशन आप कितनी देर से चल रही है। इसको जरा मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, जो फ्रेश इसने हाई लगाया था
वो इसने इस ग्रीन कैंडल पे लगाया था, ठीक है। अब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 महीने हो चुके हैं, लेकिन डेली के ऊपर क्योंकि ये फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी होगी मंथली की, ये मंथली की एक कैंडल की फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी वहां पे हमें नजर आती है, तो हमें इस तरह से महसूस नहीं हुआ होगा कि भाई इसने 13 महीने एक ही कंसोलिडेशन में गुजार दिया। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जितने भी स्क्रिप्ट्स आपको अभी बताता जा रहा हूं, ठीक है, और भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप 22 EMA वाले के ऊपर जो खड़े हैं उन्हीं को फोकस करें, जो उसके करीब हैं वो भी डिस्काउंटेड है, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, वो GGL टैली टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में इन्होंने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहां पे आप कितनी लंबी कंसोलिडेशन की, लेकिन ये मंथली के ऊपर थी, डेली के ऊपर वो फील नहीं हुई। लेकिन याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये स्टॉक मंथली बेसिस के ऊपर अपने मेजर एरिया, अब इसका मेजर एरिया है 325 रुपए, लेकिन ये डेली के ऊपर नहीं है, ये वीकली के ऊपर नहीं है, ये मंथली के ऊपर है, जब ये मंथली के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा तो उसके बाद फिर देखिएगा ये उसकी बेस होगी, ठीक है, ये इसकी कंसोलिडेशन बेस होगी और इसके ऊपर फिर बिल्ड होगा इसका नेक्स्ट अप ट्रेंड, ठीक है। और फिर लोग पता है वहां पे क्या सोचेंगे, यार ये तो 250 से चला है, इसका 250 बॉटम था, इसने 330 रुपए पे तोड़ा है और अभी तो यार ये 370 पे खड़ा हुआ है, तो यहां पे तो नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ओवरबॉट हो चुका है, ये बहुत ओवरहीटेड हो चुका है, जैसा से मैंने कहा था कि ये ओवरबॉट ओवरहीटेड, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी मार्केट के अंदर, ये सब बकवास है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर्स के ऊपर जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगर ये इतनी एक्यूरेट चीजें हों तो क्यों नहीं लोग कमाते, फिर RSI 30 से नीचे जाती है, बाय करो ना, अब तो हर स्टॉक आपको 25 से नीचे RSI मिलेगी, बाय करो ना और उससे उससे बाय करके कमाओ, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ वो जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि ये बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अच्छा ये अभी GHN ने क्यों आपको बताया, आगे हम चलते हैं जी फार्मास्यूटिकल में, देखते हैं पर्ल, पर्ल कह गया हूं सरल को, सरल को देखते हैं जी। अब सरल को भी अगर देखें, तो इसके अंदर भी एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि जब बुल साइकिल आपका शुरू हुआ, यहां इस एरिया के करीब से आपका बुल साइकिल शुरू हुआ था ना, ठीक है, और जब इस स्टॉक का बुल साइकिल एक होता ना उसका इंडेक्स का 2012 से शुरू हुआ था जो उसने शुरू किया, और इसका जब शुरू हुआ, इसने 22 EMA से ऊपर जब चलना शुरू किया, तो उसके बाद देखें एक दफा भी वो 22 EMA के दोबारा उसने आके उसको टच नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है, उसकी सेल्स नहीं हो रही, उसके प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, ठीक है, कंपनी उधर की उधर ही है, सेल्स उसकी बेहतर से बेहतर हो रही है, मतलब ये जितनी भी आप रिवाइव हो रही है जो सारी चीजें, ठीक है, तो जो अच्छी कंपनी है वो अपने उसी लेवल के ऊपर वापस आती है, जब उसके फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं वो उसी लेवल पर वापस आती है, लेकिन जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, जो क्वेश्चन स्क्रिप्ट्स होते हैं, वो बस एक ही दफा वो चल के, वो जितना उन्होंने 5 साल में चलना होता है वो एक ही दफा चल के वो जो दे जाते हैं वो दे जाते हैं, उसके बाद जो स्टक हो जाते हैं वो फिर लंबा स्टक होते हैं। तो अच्छा अब इसको अगर देखें तो इसने भी एक दफा भी 22 EMA को कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया, यहां पे वो एक दफा 22 EMA के करीब जरूर आई थी प्राइस, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद जो उसने अपसाइड दिखाई है वो आपके सामने। आप यहां पे जरा इसको क्लोजली अगर देखें, करंट जो इसकी सिचुएशन चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अब हम यहां पे देखें, अब ये देखें यहां पे उसने फर्स्ट टाइम टच किया था 22 EMA को, रेजिस्ट किया, वॉल्यूम्स भी लगे, अच्छे खासे वॉल्यूम लगे, 4.5 करोड़ का वॉल्यूम लगा, ठीक है, लेकिन अगली ही कैंडल के ऊपर जो उसके ब्रेकआउट्स हैं, अब देखिए जितने भी अभी तक हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं मुख्य सेक्टर से, तो इन स्टॉक्स के अंदर मोस्टली स्टॉक्स में एक चीज आपने कॉमन नोट की होगी कि उन्होंने अपनी 22 EMA को बड़े हैवी वॉल्यूम्स के साथ और बहुत बड़े मारू बोजू के साथ एक ग्रीन पिलर के साथ ब्रेकआउट दी है। सेल के अंदर भी आपको ये चीज नजर आ रही है और ये चीज आपको बता रही है कि एक पीछे स्ट्रांग अप ट्रेंड खड़ा हुआ है जिसकी बेस वॉल्यूम है, स्ट्रांग वॉल्यूम है, ठीक है। और उसके बाद ये अगर अभी सरले को भी देखें तो ये भी एक कंसोलिडेशन में चाह रहा है और इसकी इसके जो मेजर लेवल्स हैं, इसके मेजर लेवल्स को हम यहां पे देख सकते हैं,
ये देखें यहां से लेके ना ये सारा एक ही है लेवल। अब आप सोचें एक दफा कि सल्ले इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तो ये तो क्या कमाल करेगा, ये देखें ठीक है। अब ये सारा इसका जो है ना एक बहुत जबरदस्त किस्म का सप्लाई एरिया बना हुआ है। यहाँ पे पहले भी बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी इस एरिया में, यहाँ भी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी ठीक है। तो अभी इसका यही मेजर हर्डल है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत हैवीली कंसोलिडेट कर रहा है ठीक है। अब एक चीज नोट करें कि पीछे उसने बहुत बड़ा पिलर खड़ा किया होगा, ग्रीन पिलर हाई वॉल्यूम के साथ, और मजे की बात यह है कि अभी तक के सबसे बड़े वॉल्यूम्स इसने कहां पे लगाए हैं, इस पिलर के ऊपर, इस ग्रीन मारुबुजु के ऊपर। पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं लगा हुआ सरले में, देख लें आप ठीक है, जितना बड़ा यहां पे इसने लगाया था। ये था जुलाई के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर, और वॉल्यूम कितना लगा था, 5 करोड़ 20 लाख का। डेफिनेटली ये मुझे पता है इसने राइट भी दिए हुए हैं, लेकिन उसने ब्रेकआउट दिया, राइट तो इसने बहुत पहले दिए थे, ब्रेकआउट इसने दिया, जाहिर सी बात है वो फ्लॉट बड़ा होता है तो वॉल्यूम की एक्टिविटी फिर फ्लॉट बड़ा होने के बाद फिर वो ज्यादा नजर आपको आती है। तो ये चीजें याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो इंसान यही सोचता है कि यार इतना बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो आपको इसके पीछे की रीजन भी पता होनी चाहिए। रीजन किस तरह से पता होगी, जब आप मार्केट से वेल कनेक्टेड होंगे, आप मार्केट के जो अंदर जो हो रहा है, किस स्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या न्यूज आ रही है, वो कौन सी कंपनी लॉस में जा रही है। मैं जिस तरह से कहता हूँ ना, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ना पता हो, लेकिन इतना पता हो कि किस कंपनी की क्या प्रोडक्ट है, उस कंपनी की प्रोडक्ट की क्या डिमांड है ठीक है, और वो कंपनी कितने प्रॉफिट या लॉस में है, इसका आपको मोटा मोटा अंदाजा जरूर होना चाहिए ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है तो वो आप किस तरह से इन चीजों को फटाफट एनालाइज करके और इनके अंदर फिर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा किस तरह से कमा सकते हैं ठीक है। जिस तरह से ये अभी आपको राइट वाली बात बताई, तो यहां पे उसने एक हैवी ब्रेकआउट दिया था इस मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर, और अभी तक अगर देखें तो एक ही वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर वो चल रहा है, और यहां पे ये एरिया उसका बना हुआ है जहां पे उसने ये अभी आके तकरीबन चौथी दफा उसको टेस्ट कर रहा है। अगर इसको गौर से हम देखें थोड़ा जूम इन करके, तो यहां पे देखें पहली कैंडल यहां पे ये स्पिनिंग टॉप का बॉटम लगा था यहां पे, फिर उसके बाद ये दो कैंडल्स एक साथ हैं, रेड और ग्रीन ठीक है, तीन कैंडल्स होगी और चौथी कैंडल ये अभी यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। अगर इसके मेजर एरिया को देखा जाए तो डेफिनेटली इसका जो मेजर एक कह लें कि पॉइंट होगा ना, वो ये इसकी स्पोर्ट है, इस मारुबोजु की, जहां पे सबसे हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं और जहां पे मेजर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ये एरिया क्यों इसके लिए इतना इरिटेटिंग है, ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहां पे भी एक हैवी कंसोलिडेशन हुई थी और उसके बाद फिर यहां पे भी एक हैवी कंसोलिडेशन हुई थी, जिसकी वजह से अब यहां पे उसको बार बार सप्लाई मिल रही है और जहां पे फिर वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जब यहां से वो निकलेगा तो आप सोचें कि उसका जो अप ट्रेंड शुरू होगा वो कितना खूबसूरत होगा और वो कितना जबरदस्त किस्म का अप ट्रेंड होगा ठीक है। ये हो गया सल्ले, और लास्ट में हम एक डिस्कस कर लेते हैं जी पेल को। ये भी काफी कंसोलिडेट हो रहा है, काफी अरसे से हो रहा है, और इसके अंदर भी बड़ी खूबसूरत कुछ चीजें मुझे नजर आई थी, वो भी आपसे शेयर करता हूं। ये आप देख रहे हैं कि कितना नाइसली इसने यहां से भी रेजिस्ट करके एक ड्रॉप दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा अभी फिलहाल फोकस नहीं है। हमारा फोकस है वो बुल रन जहां से शुरू हुई थी मार्केट, बुल साइकिल जो शुरू हुआ था ये 2012, ये 2017, ये 2017 का मई ठीक है, यहां तक 2017 के मई तक सब स्क्रिप्ट ने अपने हाई लगा लिए थे। तो अब यहां पे आप देखें कि जब उसने अपना यहां पे अब जब अपना उसने एक अप ट्रेंड शुरू किया, यहां पे शुरू में उसके एक हैवी वॉल्यूम्स लगे यहां पे, और पीछे आप देखें कहीं पे भी उसका इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। यहां पे पहली दफा उसने हैवी वॉल्यूम लगाया इसके ऊपर, उसके बाद ऊपर इससे चलना शुरू हुआ, यहां पे एक कंसोलिडेशन भी उसने अच्छी खासी दिखाई हुई है इस लेवल पे ठीक है, और उसके बाद यहां से उसने एक अच्छा अप ट्रेंड शुरू किया और वॉल्यूम्स के साथ। यहां पे उसने जब आके देखें करेक्ट किया, 90 रुपए से जब वो गिरा और एग्जैक्टली उसने 22 EMA से दोबारा से सपोर्ट ली और एक उसने न्यू हाई बनाया ठीक है। और
जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ कि डाइवर्जेंस जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनेगी उतनी ही ब्रूटल वो होगी, ठीक है। और मजे की बात यह है कि निकाल के देख लीजिएगा, ये जितनी भी मार्केट क्रैश हुई थी, क्रैश होने से पहले हर स्क्रिप्ट के ऊपर मंथली पे जाके डाइवर्जेंस बनी थी, ठीक है। और जिस तरह से वो आपको एक स्ट्रेटेजी बताई हुई है किस तरह से डाइवर्जेंस बनती है, फिर उसकी सेकंड स्टेज जो मेच्योरिटी और उसके बाद फिर वो ट्रिगर होती है जो वो सारा प्रोसेस। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहां पे देखें, जब उसने इसको नीचे ब्रेक किया तो यहां पे जरा गौर करें, यहां पे उसने उसको रेजिस्ट किया ऊपर टच करके, उसके बाद ये नीचे डाउन साइड है, ठीक है। अब अपसाइड पे गौर करना है जरा, इसको मैं जूम इन कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, वेरी फर्स्ट टाइम जब उसने टच किया रेजिस्ट किया ड्रॉप हुआ, टच किया रेजिस्ट किया ड्रॉप हुआ, हाई उसने क्या लगाया था इस कैंडल पे 29 रुपए और क्लोज 18 रुपए 50 पैसे पे जाके हुआ, ठीक है, 18 रुपए 50 पैसे पे जाके वो क्लोज हुआ, जब वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने ईएमए को, जो मेजर ईएमए यहाँ पे जो मैटर करती है 22 ईएमए, तो वहां पे उसने दो दफा रेजिस्ट करके ड्रॉप हुआ है। अब देखिए फिर वही चीज आई है, कितनी खूबसूरत मतलब कोरिलेशन है, ये देखो पिलर बना हाई वॉल्यूम्स के साथ बना और ये जबरदस्त ब्रेकआउट, और उसके बाद देखें कितना वॉल्यूम लगा, वॉल्यूम लगा जनाब आपका एक मिनट, आपका यहां पे वॉल्यूम लगा 469 मिलियन का, 469 मिलियन का वॉल्यूम, और एवरेज कितनी थी 132 मिलियन, मतलब कि 350% ज्यादा वॉल्यूम लगा और उसने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के ऊपर। और उसके बाद देखे कि कितना नाइसली उसने यहां पे उसको सपोर्ट भी लिया दो दफा, एक दफा इस कैंडल पे एक दफा इस कैंडल पे, यहां पे दोबारा देखें पेनिट्रेट किया ऊपर क्लोज किया, यहां पे नीचे क्लोज किया, अगली कैंडल पे दोबारा से उसने उसको रिवाइव कर लिया। जिस समझे मैं कहता हूं कि बुल साइकिल के अंदर वो अगर एक आध कैंडल कोई इस तरह बना के आपको दिखाया गया भी, लेकिन अल्टीमेटली उसको वो जब रिकवर करेगा तो जब मार्केट का मोमेंटम ठीक होगा तो वो दोबारा से उसको उसके ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा और उसके ऊपर दोबारा से उसका अप ट्रेंड शुरू होगा। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि मंथली के ऊपर जब आप देख लें, क्योंकि मंथली के जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजर सप्लाई और डिमांड जोन, और जाहिर सी बात है डेली के ऊपर ये बहुत बड़े लगते हैं। जिस तरह से आप देखें कि इसका जो मेजर लेवल है इसको जब तोड़ेगा तो यहां से बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, 42 रुपीज, ठीक है। अब 42 रुपीज डेली के ऊपर बहुत बड़ा लेवल है कि भाई अभी तो ये 32 रुपए के ऊपर है, तो ये 30% ऊपर मतलब यहां से जाएगा तो फिर जाके वो 42 रुपए तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये अपने मेजर लेवल मंथली के ऊपर तोड़ दें तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 महीने ये स्टॉक कम से कम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यहां पे भी देखें कि ये स्टॉक भी बहुत नाइसली ये 22 ईएमए के ऊपर एक्युमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेशन आप नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स भी खत्म हो गए, वॉल्यूम सारे वहां पे लगे हैं जहां पे एग्रेसिव कैंडल्स थी, और उनके ऊपर देखें कहीं पे भी जो सप्लाई वाली कैंडल बनी, फॉर एग्जांपल यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कह लें जो बना, इसके ऊपर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहां पे ड्रॉप हो गए, पहले यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था बड़े मारुबोजों पे, आगे एक और अच्छी स्ट्रांग बॉडी वाली कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम कम हुआ, और उसके बाद जब सप्लाई वाली कैंडल बनी और कम हुआ, और उसके बाद जो दूसरी जो स्पिनिंग टॉप्स बने उसके अंदर और वॉल्यूम कम, और ये जो आगे सारी कैंडल्स बनी है वो सारे के सारे वॉल्यूम कम खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हैवी एक्युमुलेशन हो रही है यहाँ पे, जो कि आगे एक बहुत बड़े साइज का आपको अप ट्रेंड इंशाल्लाह से ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो फोकस कर रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है बिफोर इलेक्शन, जो मार्केट के टारगेट्स हैं स्पेशली दिसंबर 2022 तक, वो कितने बड़े माशाल्लाह से टारगेट्स हैं, और अभी मार्केट के अंदर ऊपर कितनी स्पेस है, स्टॉक्स के अंदर कितनी ऊपर स्पेस है, और अगर इनके फंडामेंटल्स मजीद इंप्रूव होते हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ने कुछ मुंह दिखाना ना आवाम को और वोट्स किसी बेस पे मांगने, तो
मैक्सिमम रिलीफ उनको देना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और जितना इंडस्ट्री बूस्ट होगी उसकी अर्निंग्स बूस्ट होंगी, उनके फंडामेंटल्स जितने स्ट्रांग होंगे, हो सकता है आपको न्यू हाईज भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उनके न्यू एवर हाईज भी आप लगते हुए इंशाल्लाह से देखेंगे। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी मार्केट को लेके, एक बिगर पर्सपेक्टिव को लेके जो मैंने इसके ऊपर काम किया। अच्छा, एक लास्ट चीज रह गई है, वो भी आपसे मैं शेयर कर दूं। हाँ, जो जो मैंने आपको कहा था कि आप देखें अभी इस वक्त कचरा चल रहा है, ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है कि अपनी वर्किंग करो और हर चीज तैयार रख के बैठो, और जब मार्केट आपकी आएगी दोबारा से बुल रन के अंदर, कंसोलिडेशन एक फेज कंप्लीट करके मार्केट निकलेगी, तो आप तैयार होके बैठे हो उस मार्केट के लिए। ऐसा नहीं है कि अब हाँ जी चलो जी चार्ट देखते हैं, आप चार्ट क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेली के चार्ट से वो आपको डेली की वो फ्लक्चुएशन बताएंगे, आपको पता होना चाहिए आगे के भी जो बड़े चार्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आज आपको एक मैंने व्यू दिया। और यहां पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, ये आपके सामने एक मैं पिक्चर मतलब आपसे शेयर करूं, ये मैं आपको अपना एक तरीका बता रहा हूं। आप देखें फॉर एग्जांपल एफएफबीएल का चार्ट है, वीकली चार्ट ऊपर लिखा हुआ है 200 ईएमए। 200 ईएमए का मतलब है कि ये जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ईएमए है, जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है वीकली के ऊपर। उसके बाद टारगेट जो इसका मैंने लिखा हुआ है 37 रुपीज, ठीक है। ये जितनी भी रिसर्च है, ये जितने भी टारगेट्स, ये जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर मैं ये यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी करता हूँ, प्रॉबेबली इसको मैं पोस्ट करूंगा, तो ये सारी की सारी मेरी हैं। और ये आपने अगर करना है वो अपनी रिसर्च, वो अपना आप सारा करके देखिएगा, मेरे ऊपर रिलाय नहीं करना कि भाई इस बंदे ने कहा तो कर लो, ठीक है, कल को आगे कहेंगे भाई तुमने तो ऐसा कहा था तो ऐसे हो गया। मेरे पास एट बेस्ट जो था वो मैंने आपको दिया है इस हवाले से, आगे जो प्रिपेयर किस तरह से आपने करना है बुल रन के लिए, जो आगे इंशाल्लाह से दोबारा से शुरू होगा। और हाँ, मेरी क्या एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या कब बुल रन एक ये शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर वो एरिया है जब आपका ये एक अच्छा। अब देखें सितंबर के अंदर टारगेट दिया हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि 49,200 को दोबारा से मार्केट टेस्ट करे, ठीक है, और वो एक छोटा मोटा मतलब अपसाइड है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो एक्चुअली में प्रॉपर एक रैली, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, वो मुझे लगता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं चार्ट्स के ऊपर, जो मुझे लगता है वो नवंबर से मुझे लगता है ये चीज शुरू होगी। और उसके पीछे सबसे जो वो मेन चीज होगी वो ये आपको पता है अभी एमएससी के अंदर हम उससे निकलने जा रहे हैं, और अभी फैसला आएगा ये 7 सितंबर को गालबन, ठीक है, तो एमएससी से हम जब निकलेंगे और फिर दोबारा से फ्रंटियर में जाएंगे, फ्रंटियर के बाद जो हमारी मार्केट होगी इंशाल्लाह से वो आप देखिएगा कि कितनी बेहतरीन चलती। और ये जितना पूरे साल के अंदर हमारी मार्केट रुकी है और जितनी करेक्शन ली है, वो सारी की सारी कसर फिर हमारी मार्केट निकालेगी, और नवंबर के अंदर हम जाके फ्रंटियर मार्केट्स में आएंगे, ठीक है। और अगर आप अभी भी देखें तो जितने भी एमएससीआई से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर ज्यादा मार पड़ रही है, एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, लकी, एंग्रो, ये स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, ओजीडीसी, पीपीएल, पोल, ठीक है, ये स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, और इनके अंदर लगातार गोरे की सेलिंग आ रही है, ठीक है। इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, ये भी याद रखिएगा, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से वो कहते हैं कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, ठीक है, तो रूमर्स तो आपको पता है शुरू से आई हुई है कि हम डाउनग्रेड होने जा रहे हैं, तो सेलिंग तब से आ रही है, तब से आई जा रही है इसकी, ये जो एमएसएआई के स्क्रिप्ट्स हैं इनके अंदर जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है जब ये अनाउंस कर दें 7 सितंबर को, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे ये एमएसई वाले स्क्रिप्ट्स हैं इनके अंदर लोकल्स की बाइंग आना शुरू हो जाए, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, ये एक वैलिड पॉइंट है, इनकी बाइंग आना शुरू हो जाए और यहां से ये बाय करना शुरू कर दें, और जब हमारी मार्केट फ्रंटियर में जाए तो फ्रंटियर में जाके ये इनकी प्राइसेस ऑलरेडी ऑयल और बैंक्स की बढ़ चुकी हों, और वहां पे जाके फिर जिन्होंने ये जो हाई नेटवर्थ हैं यो और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये जिन्होंने इन लेवल्स पे बाय किया होगा ऑयल को, बैंक्स को, फर्टिलाइजर्स को, और ये फिर फ्रंटियर मार्केट में जाके इनको अच्छी प्राइसेस के ऊपर सेल करें, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जब चीज होगी, मतलब ये फैसला जब आएगा उसके बाद ये चीजें डिसाइड होंगी, लेकिन एक मैंने आपको प्री सिचुएशन
बता दी है कि इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, इसको जहन में रखिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से आपको शुरू से कहता हूँ, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। चीजें आपको एनालिसिस करते वक्त याद नहीं रहेंगी, कभी भी आप अच्छा एनालिसिस एक्यूरेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो पूरे पॉइंट आपको याद नहीं होंगे तो कोई ना कोई चीज आप मिस कर जाएंगे। अच्छा, लास्ट में जो चीज आपको बता रहा था, तो मैंने किस तरह से, मैंने सारे स्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग की, ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट किए जो मुझे लगता है कि ये अच्छे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, इनके अंदर अच्छा रूम है ऊपर की तरफ, उन सब के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट्स के ऊपर मैंने वर्किंग की, उनके ऊपर लेवल्स लिखे, उनके पैटर्न्स बनाए, उनके जो मेजर मूविंग एवरेजेस हैं लिखी, उनको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट शुरू होगी, आपको पता है चार्ट यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर सेव तो हो जाता है, लेकिन आप इतने ज्यादा चार्ट्स को सेव नहीं कर सकते, और आपको पता है कि एक दो हफ्ते के बाद आपके वो चार्ट भी खत्म हो जाते हैं, कोई ना कोई आपके बंदे, कोई ना कोई बंदा आपके चार्ट को ओपन करेगा और दोबारा वो अपने नाम से सेव करेगा, आपका चार्ट खत्म हो जाएगा, तो वहां पे वो उस तरह का वो मजा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारे चार्ट्स बनाए, वर्किंग की प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया, जब मार्केट चलेगी मुझे पता है हाँ भाई इसके अंदर पहले ये पैटर्न्स थे, ये मूविंग एवरेज है, ये पीछे का ट्रेंड है, ये आगे ब्रेकआउट है और ये टारगेट है, ठीक है। अब ये कुछ मैंने अपने अभी वर्किंग की है, कुछ आगे मैं करूंगा। अब ऐसा नहीं बिल्कुल मुझे किसी ने कहना कि भाई आपने किया तो हमें भी आप दे दें, ऐसा नहीं है। हर बंदे ने अपनी मेहनत खुद करनी है, क्योंकि आप खुद नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी की है, ये एक एग्जांपल आपको दिखा दी है आपके सामने FFVL की, ये एक मैंने पिक्चर लेके रखी थी ताकि आपको भी एक चीज मिले, जिनको शौक है, जो पैशनेट है ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, वो इस तरह से कर सकते हैं। जब ये आप करेंगे, इसको कहते हैं जो आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, और जब मार्केट आई है, वो मार्केट शुरू हुई है, तो आप उसके लिए तैयार हैं और आप उसके अंदर जंप इन कर दिए। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई पीछे का ट्रेंड एनालाइज करो, कौन सी मूविंग एवरेज है, कौन सा पैटर्न है, अभी खाली बैठे हुए हैं ना, तो अभी ये चीजें रेडी करके रखें और आगे फिर काम करने का आपको मजा आएगा इंशाल्लाह से। ये आज का सेशन था एक हमारा, तो मैंने सोचा कि आपको ये एक पोस्ट ट्रेनिंग सेशन दूं, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, आपको पता लगे आगे वर्किंग किस तरह से करनी है, प्री वर्किंग करके बैठे जब मार्केट आगे चले तो आपको पता हो कि आपने आगे क्या करना है, और आपने पैनिक नहीं होना, और आपको पता है कि आपको कहां पे जाना है और क्या चीज को अचीव करना है, और मार्केट ने किसको इंशाल्लाह से अचीव करना है, अनलेस के कोई ऐसा जो है ना इवेंट ना हो जाए जिस तरह से कोरोना वायरस, और या इस तरह का कोई कोई बहुत बड़ा मसला ना हो जाए, अदरवाइज आपकी मार्केट के अंदर कोई मसला नहीं। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये पहले भी आपके जो एक्सचेंज रेट और ये सारी चीजें इधर ही थी, आपकी मार्केट ने परफॉर्म किया और इंशाल्लाह से आगे भी करेगी, बस एक दफा सेट होने की देर है इंशाल्लाह से। अभी कोई आप देखें, आप तादाद माशाल्लाह से आपकी बहुत ज्यादा 200 के करीब बंदे हैं माशाल्लाह से, तो अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद फिर हम अपने सेशन को क्लोज कर देंगे। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का, पहले मुझे ये बताएं मजा आया कि आपको नहीं आया, ये बताएं। बस मीर भाई जी जा रहा है आपका मुंह मैं म्यूट करिएगा। अब देखें, ये जितनी भी सारी चीजें थी जो आपसे मैंने शेयर की ना, ये शेयर करने का सिर्फ मकसद ये था कि यार मार्केट को समझो, ठीक है। ये आप देखिए, ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, रिसर्च ने क्रिएट किया। अब यहां पे फोकस हो गए, टाइम देके ये सारी चीजें की। अब जिस तरह से आपने कहा ये जानजेब के दो हफ्ते में इस तरह का एक सेशन कर लिया, अब ये जो इस तरह की कंटेंट है या इस तरह की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज, ये रोज रोज ये चीजें नहीं बनती, जाहिर सी बात है टाइम लगता है उसको गैदर करने में, कंक्लूड करने में। अब जिस तरह लोग कहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि भाई रोज आप क्यों नहीं वीडियो बनाते, रोज मैं बनाऊंगा तो मुझमें और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा, मैं भी रोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, तो वो एक अच्छी चीज को तैयार करने में टाइम लगता है, एक अच्छा कॉन्टेंट बनाने में टाइम लगता है, और एक दफा वो जो चीज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक लॉन्गर टाइम के लिए वो चीज चलती है, जब वो उसका कोई ना कोई व्यू चेंज होता है, लेवल्स चेंज होते हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। तो मैं ये सारी आज जो मैं शुरू में एक बात कही थी कि ट्रेंड लाइंस और इन चीजों के ऊपर, ठीक है ये करें, ये काम की हैं,
लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मार्केट की साइकी, मार्केट साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स, मार्केट की नेचर, मार्केट की सेंस जो है ना, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। उसके बाद जब टेक्निकल्स के ऊपर आएंगे ना, तो मजा आएगा, फिर आपके लेवल्स ऐसे हिट होंगे कि आप कहेंगे मैं मार्केट चला रहा हूँ भाई। ठीक है जी, अभी मुशर्रफ भाई सवाल पूछते हैं, जो भी आपका सवाल है। जी जी, दो सवाल था। एक पहला ये था कि ये जो आपने जैसे बताया, मतलब पुलिस टोटली एग्रीड एंड अंडरस्टूड, जो मार्केट 27,000 से 47,000 पहुंची है, 20,000 पॉइंट्स, और जो मेन बोर्ड स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक इस तरह के परफॉर्म नहीं किए, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको 27,000 से 47,000 पर लेकर गई हैं? फिर उनमें भी मतलब जो इसका मतलब है कि जैसे आपने बताया कि 53% है वेटेज हमारे उन तीन सेक्टर्स की, और चौथा सीमेंट कर लें तो 6%, तो रफली 60% आप कह रहे हैं, और इन 60% ने बड़ा कम परफॉर्म किया, बट मार्केट स्टिल 20,000 से 47,000 पे पहुंचा है। पहला एक मेरा, मैं इसके जवाब दूं, मैं इसके जवाब दूं, फिर मैं आपको दूसरा सवाल लेता हूं। देखिए इंडेक्स मैनेजमेंट जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है और जो वेटेज है। अब देखिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अभी इन स्क्रिप्ट्स ने इतना परफॉर्म नहीं किया। आप जिस तरह से फॉर एग्जांपल ओजीटीसी का हाई अगर निकाल के देखें, तो मेरे ख्याल से 110-115 रुपए का हाई होगा ओजीटीसी का। अब देखें, शुरू में ये सारे आइटम्स चले हैं, ठीक है, एक अच्छी हाइप क्रिएट की, इंडेक्स चला, जो 40,000 तक का लेवल था ना इंडेक्स का, उसमें ऑलमोस्ट हर स्क्रिप्ट ने कंट्रीब्यूट किया था। ऑयल का उठा के देखें हाई क्या लगा हुआ है, पीपीएल का भी मेरे ख्याल से 105 रुपए का हाई लगा हुआ है अभी, जो वो 80 से भी नीचे है। ओजीडीसी का हाई उठा के देखें क्या लगा हुआ है, 115 लगा हुआ है। इसी तरह एचबीएल, एमसीबी, यूबीएल, इनके हाईज देखें, इनके भी अच्छे खासे ऊपर हाईज लगे हुए हैं। कहने की बात यह करंटली कहां पे खड़े हैं, करंटली मतलब कि वो उन लेवल से बहुत करीब खड़े हैं जो उन्होंने बॉटम्स लगाए हुए हैं, ठीक है। पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और फिर ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं डे ऑन डे बेसिस के ऊपर, जिसमें लकी सीमेंट है, टीआरजी है, जिससे अभी एमईबीएल चल रहा है, मिजान बैंक चल रहा है, इस तरह के और दो चार स्क्रिप्ट हैं। और फिर सीमेंट ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, सीमेंट ने तो 500% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। सीमेंट के जो स्क्रिप्ट हैं उन्होंने 500% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इन्होंने नो डाउट, ये इंडेक्स जनरली आपका ऊपर गया है, लेकिन कहने की बात यह है कि आप देखिए ऑयल सेक्टर आपका ऊपर जाके कितना नीचे आ चुका है, बैंक सेक्टर आपका कहां पे जाके कितना नीचे आ चुका है, फर्टिलाइजर सेक्टर आपका वैसे वो कोई नहीं चला, उसमें सिर्फ ईफर्ट चला है, सीमेंट सेक्टर आपका 500% ऑन एवरेज उसने गेन दिया हुआ है सीमेंट सेक्टर ने, तो वो जस्टिफाइड है चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी करंटली वो कहां पे खड़ी हुई है। दूसरा सवाल पूछिए, दूसरा सवाल आपका क्या है? जी दूसरा ये था कि प्राइस मेरी मतलब मैं जो थोड़ी बहुत जानता हूँ, प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट ये जो मेन बोर्ड स्क्रिप्ट्स हैं और ज्वेलरी जो दूसरे उसमें हो चुकी है, अभी इनकी रहती है टाइम करेक्शन जो कि ये हो रही है, चल रही है। और मेरा अंदाजा है कि जब तक हमारे जैसे लोग इसमें से नहीं निकलेंगे, ये जो स्मार्ट प्लेयर है इसको नहीं चलने देगा, जब तक वो सौदा उसके हाथ में, मतलब लेट मी यूज़ द वर्ड, जब तक माल उसके हाथ में नहीं आएगा ये नहीं चलने देंगे, ये सबको एक दफा मारेंगे, उठाओ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए मिश्रा, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि उसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि हम डे ऑन डे बेसिस के ऊपर मार्केट को देखते हैं, हम डे ऑन डे बेसिस के ऊपर मार्केट को फोकस कर रहे होते हैं, हम मार्केट के ना बिगर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, मार्केट के ना पैटर्न्स को देखते हैं, ना कोरिलेशंस को देखते हैं, ना मुख्य चीजें जो मार्केट को ड्राइव कर रही है उनको देखते हैं। जब मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, लो जी इस वजह से मार्केट गिर गई, अब गई हम आगे, अब नहीं आती वापस मार्केट। मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह से, यार आप लोग मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बनाओ, जो भी आप में से इन्वेस्टर है, ठीक है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो रैशनल ट्रेडर या ट्रेडर नहीं है, ठीक है, जो मतलब कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, मतलब एक ट्रेंड चला, दो महीने एक अच्छा गेन लिया फिर निकल गया मार्केट से, अगर कोई इन्वेस्टर आप ट्रेड अभी पोजीशंस लो, ठीक है, ऑनवर्ड्स नीचे मार्केट जाती है, इसमें मजीद पोजीशन लो, और फिर इसको आप देखो दिसंबर तक, सिर्फ ज्यादा दूर नहीं, दिसंबर कितनी दूर है, अभी सितंबर तो आ गया, 4 महीने ज्यादा से ज्यादा 3 महीने रह गए, ठीक है। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह से विद इन नवंबर दिसंबर आपकी मार्केट इंशाल्लाह से बहुत अच्छा, जो वो रैली है इंशाल्लाह से नेक्स्ट, जो एक लंबी कंसोलिडेशन चल रही है, और जितनी लंबी कंसोलिडेशन उतनी लंबी आपकी अपसाइड। और जिस तरह से कहा है कि बुल रन ऐसा नहीं है 6 महीने बाद चेंज होता है, ये आपका बुल रन पहले भी मैंने पब्लिकली भी बताया था, 2021-2022 ये इंशाल्लाह से बुल ईयर्स हैं, और
आप होल्ड करके देख, अगर आपके पास दो ये नवंबर दिसंबर तक होल्ड है तो कोई भी बंदा आपसे माल नहीं छुड़वा सकता। हाँ, ये अगर आप डे ऑन डे बेसिस के ऊपर मार्केट को वॉच कर रहे हैं, नीचे मारेंगे, एक लेवल को ब्रेक करवाएंगे, लो जी अगला ये लेवल आ रहा है, बेचो बेचो बेचो, ये इसे हमारी मार्केट में होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नॉइज है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इतनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है मुख्तलिफ किस्म की, टीवी हम देख रहे होते हैं, हमें ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ डिफोकस करने के लिए होती हैं। तो अगर इस तरह से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, बिगर पर्सपेक्टिव को देख के चलेंगे, कोई चीज नहीं आपको हिला सकती इंशाल्लाह से, और इतना अच्छा प्रॉफिट लेने से कोई नहीं आपको रोक सकता। ठीक है जी, पाकिस्तान अगर इलेक्शन पहले भी होता है ना, अब इलेक्शन कोई बुरी चीज तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर असेंबली किसी वजह से टूट जाती है, मतलब कि कोई ये हुकूमत जिसको कहते हैं गिरा दी गई किसी भी वजह से, वो मतलब एक डिजास्टरस है चीज, ठीक है। अगर वैसे खुद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है, इलेक्शन अनाउंस करता है, इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। और इलेक्शन तो वैसे 2023 में है, तो इसीलिए जो मेरा टारगेट है वो 2022 दिसंबर है, कि ये वो टाइम फ्रेम है अभी से लेके 2022 दिसंबर तक, जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स को आप ले सकते हो, आप कमा सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो, ठीक है, अगर आप फोकस होके चलोगे इंशाल्लाह से। तो अगर इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है, खुद वो सारा डिसॉल्व करता है, तो इसमें कोई मसला नहीं, मेरा नहीं ख्याल वैसे ऐसा होगा, लेकिन दिसंबर 2022 तक तो ये निकाल ही जाएंगे किसी ना किसी तरह करके, रो दोगे इतना यार, मतलब पहले साल से ये जो सारा मामला एक चलना शुरू हुआ, ये जिस तरह से ये सारे मिल गए और इलेक्शन में धांधली हुई है और हम आएंगे नहीं, और फिर सारा आस्था सा वो देखा आपने, असेंबलीज में भी आए और उसके बाद फिर पीडीएम हो, क्या कुछ नहीं हुआ उधर की उधर, ये जनाब जरदारी हम आएंगे सेनेट जीतेंगे और लात मार के गवर्नमेंट को गिरा, यार ये सिर्फ ना बातें होती हैं अपने वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए, जिस तरह इमरान ने भी की, जिस तरह नवाज शरीफ ने भी की, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जब होगी ना चीज, तो तब की तब सोचेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते मुझे इंशाल्लाह से। जी जी, वालेकुम सलाम हशाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार, पहले तो यार अमेजिंग एनालिसिस, मतलब वो तो सबने ऑलरेडी आपकी तारीफ करी दी है। मेरा बस एक छोटा सा सवाल था, आपका ही बहुत पुराना पॉइंट है, एक दो महीने पहले का, अभी आपने ज्यादातर जो डिस्कस किए वो हुए जिन्होंने एक बुल लेग दी है और उसके बाद करेक्शन ले ली है 22 EMA तक जो कंसोलिडेट कर लिए। मैंने एक छोटी सी चीज पूछी थी कि जैसे कुछ सेक्टर्स हैं, ऑयल OGDC ले लो और एक SNGP, जो जिन्होंने कोई लेग नहीं दी लेकिन जो अब बेरिश चैनल से निकल के पहली दफा वो अपने उस पे आ रहे हैं, जो पहली लेग प्रॉब्लम आप तो उस पे अगर आप एक दो कमेंट दे दो कि अगर वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि जो ये GHNI सारे हो गए वो एक फर्क पैटर्न पे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसी ने OGDC या SNGP पे देखा कि जो बेरिश बुलिश चैनल में शुरुआत होनी है उस पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अच्छा, अभी देखें एक चीज, ये आपके सामने मैंने बल्कि ओपन भी कर लिया OGDC का चार्ट भी, माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए जिसका भी ओपन है। अब यहाँ पे एक चीज अगर देखें तो सबसे जो हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं OGDC के ऊपर वो इस कैंडल पे लगे हैं, ठीक है। ये 152 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं यहाँ पे, गालबन ये उस वक्त सेलिंग मेरे ख्याल से आई थी, मेरे ख्याल से MSE की न्यूज वगैरह इस तरह का कुछ आया था या क्या था एग्जैक्टली, अब मुझे याद नहीं है। यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम्स लगे थे OGDC PPL के अंदर, या फिर शायद ये गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट इनके स्टेक सेल करने की बात की थी तब शायद कुछ पैनिक आया था, तो इसके अंदर बहुत हैवी वॉल्यूम्स लगे थे और यहाँ पे इसने क्लोजिंग आप देखें सॉलिड कैंडल के साथ ही वॉल्यूम्स बड़े हैवी यहाँ पे लगे हुए हैं, और यही जो लाइन है इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, यही लाइन इसकी मेन एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे भी ली, यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट ली हुई है। अगर पीछे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन इसी जोन में हुई हुई है, ठीक है। ये 90 रुपए से लेके 88 रुपए के दरमियान ये इसका मेजर वो एक एरिया है, ठीक है।
एक चीज जो मैं नोट कर रहा था ऑयल सेक्टर के अंदर जब मैं ये वर्किंग कर रहा था, तो मैंने 60 EMA को एक देखा था कि इसके ऊपर जो ऑयल है ना, ऑयल इसके ऊपर बड़ा अच्छा रेजिस्ट कर रहा था। जिस तरह से आप यहाँ पे अगर देखें, ये जितना भी ऑयल है ना, ये OGDC PPL हो जाए या और भी बैंक्स भी इवन के, ठीक है, जो अभी चले नहीं है, वो 60 EMA के ऊपर बड़ा अच्छा रेजिस्ट कर रहे थे। अभी 60 EMA डेफिनेटली बहुत ऊपर है, 126 के ऊपर है। लेकिन अभी आपको फोकस किस तरह से करना चाहिए कि जो रेंज का बॉटम है, कि भाई इधर से टूट के रेट तो कहीं नहीं बेच जाने वाले, ठीक है। ये 91 से लेके 88 रुपीज, ये मेरे ख्याल से बेहतरीन लेवल्स हैं OGDC के लिए। जिस तरह से अब यहाँ पे भी देखें इसको, तो यहाँ पे भी 60 EMA पे बार बार ये रेजिस्ट कर रहा है ये थ्रू आउट, और ये 102 रुपए का मेजर एरिया है जो 60 EMA का है, ठीक है। यहाँ पे इसके मेजर वॉल्यूम्स लगे हुए हैं नीचे इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, और उसी स्पोर्ट के ऊपर खड़ा, और जहां पे इसकी बुलिश डाइवर्जेंस भी प्रोबेबली बन रही होगी। अगर हम इसकी बुलिश डाइवर्जेंस को भी देखें, और बिल्कुल बुलिश डाइवर्जेंस अगर यहां पे आप देखें, तो यहां पे डबल बॉटम उसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो बुलिश डाइवर्जेंस हर चीज बन रही है, ठीक है। ये सिर्फ अब होपफुली ये करीब करीब है अपनी कंसोलिडेशन के, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि वो एक दफा न्यूज आ जाए और दुआ करें हम डाउनग्रेड हो जाएं भाई, MSCI से हमारी जान छूट जाए। जो रेंज का बॉटम है अभी, स्टॉक्स मोस्टली स्टॉक्स उसी के पास खड़े हैं। PPL को भी अगर देखें तो ये भी मेरे ख्याल से उसी के पास खड़ा है। एक सिर्फ SNGP है जो ट्रेंड के अंदर है, बाकी ये सारे साइडवेज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, OGDC, PPL, मतलब ट्रेंड के अंदर। SNGP इसलिए कह रहा हूँ, वीकली के ऊपर वो बहुत अच्छा है। अभी भी ये देखें कि अपने वो उसी, ये ऑलरेडी मैंने वो जो लगाए हुए लेवल्स, तो ऑलरेडी ये अपने उस रेंज के बॉटम के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहां से इनकी प्राइस को 50-50 रुपए तो खुदा ना आसा होने नहीं वाली, ठीक है। और दूसरा, ये जो MSCI की सेलिंग है, ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि MSCI वाले स्क्रिप्ट को अगर देखा जाए, MSCI के अंदर कौन से आते हैं, सिर्फ OGDC, PPL, HBL, UBL, MCB, ठीक है, और ये और भी जितने आप 20 एक स्क्रिप्ट बनते हैं, 15-20 स्क्रिप्ट हैं, उनके अंदर आप देखिए ज्यादा सेलिंग आई है और वो ज्यादा चले भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूं यहां से हम निकले, हमारी जान छूटे, और इन स्क्रिप्ट्स के अंदर, इन स्क्रिप्ट्स की जान में जान आए, और यहां से ये इंशाल्लाह से चलना शुरू हो। तो बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से यही है कि जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेंज के बॉटम के ऊपर इन्वेस्ट करो, छोड़ दो, कोई बंदा कुछ भी कहता है कहने दो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें ये इंशाल्लाह से। क्योंकि मैं आपको कहता हूं ना कि अगर मार्केट ने 60-65 हज़ार अचीव करना है ना, तो वो अचीव ऑयल और बैंक्स ने करवाना है, ठीक है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स यही होंगे, बाकी सीमेंट, स्टील, ऑटोज, IT, ये सेंटिमेंट क्रिएट करेंगे, साथ साथ चलेंगे ये भी इंशाल्लाह से, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह से इनका होगा। क्योंकि इनकी आप कंसोलिडेशन देखो यार, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन यार, ये देखो ये सारी कंसोलिडेशन बेस है, ये सारी कंसोलिडेशन। अब डेली के ऊपर अगर आप जाएंगे, ये चीज आपको नजर नहीं है, ये सारी कंसोलिडेशन बेस है। जब इससे वो निकलेगा तो इसके ऊपर प्रॉपर एक उसने ट्रेंड बिल्ड करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये आपको रेंजेस के बॉटम के ऊपर ये चीजें मिल रही हैं। तो बेस्ट इसके अंदर यही है कि आप इसको रेंज के बॉटम पे लें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो ट्रेड करना चाहते हैं इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर लें, और MSCI के डिसीजन के बाद हम डाउनग्रेड हो जाते हैं। सेलिंग तो ऑलरेडी हो रही है और डाउनग्रेड हो जाते हैं, उसके बाद अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हाँ हम आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं, 7 सितंबर को अनाउंस हो जाता है, और उसके बाद अगर अपसाइड आती है तो फिर यही समझिएगा कि सेलिंग पहले होगी, ये पकड़ लो, अब ब्रेकआउट आए पकड़ लो और वहां से फिर इनको लेके चलो। और ऑयल सेक्टर के अंदर प्रायोरिटी के अंदर, प्रायोरिटी पे SNGP, OGDC, ठीक है, और बैंक्स के अंदर आपको पता है मैं काम नहीं करता, और फर्टिलाइजर के अंदर FFBL बहुत अच्छा चल सकता है, एंग्रो बहुत अच्छा चल सकता है, इनके ऊपर नजर रखिएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन थी, रिसर्च थी, वो तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बेसिकली वो कंपेयर करने का जो मकसद था कि वो मार्केट्स अपने न्यू हाई से भी, जो प्रीवियस हाई है, जो कोविड से पहले एवर न्यू हाई था उनका, उससे भी वो 30% ऊपर है। इंडिया की मार्केट 40% ऊपर है,
ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि उनकी भी मार्केट बुल रन के अंदर चल रही है। अब आप यह कहें कि भाई नहीं, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उसकी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट एक दे दिया कि भाई वहां पे आप देख लो 2012 से 2017 प्राइम टाइम था जो हमारी मार्केट का बुल रन था, उसमें हमारी मार्केट ने कितना बड़ा गेन दिया था और इंडिया की मार्केट उस वक्त पे क्या कर रही थी। ठीक है, तो इनकी बेसिकली कहने का मकसद यह है कि सारी दुनिया की ये बुल साइकिल हमारी मार्केट के ऊपर नहीं है, ये जो मैंने बताया था 2021-22 ये पूरी दुनिया के हवाले से बताया था इंशाल्लाह से, कि ये पूरी दुनिया का इंशाल्लाह से जो बुल साइकिल का प्राइम टाइम है। ठीक है, तो ये उनका हवाला देने का मकसद ये था कि उनकी मार्केट देखें किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कि उनकी मार्केट इंडिया की मार्केट 42,000 से ऊपर जाने का मतलब कि वो सोच भी नहीं सकते थे शायद, मतलब कोविड जब क्रैश हुआ और किस तरह से हमारी मार्केट पता नहीं कितने साल लगेंगे, उस वक्त तो यही चीजें ध्यान में आती हैं। और आज उनकी मार्केट आप जाके देखिए, मैं हैरान हो गया, 58,000 पे मार्केट खड़ी है 40% ऊपर। ठीक है, तो उनकी मार्केट में बुल रन के बुल साइकिल के अंदर चल रही है, बुल वो उसी तरह से जिस तरह हमारी मार्केट है। ठीक है, इकोनॉमी हमारी खराब है, वो इंशाल्लाह से मार्केट के हिसाब से वो देखेंगे आस्ता आस्ता ये चीजें आप देखेंगे बेहतर होते हुए नजर आएंगी आपको इंशाल्लाह से। तो ये वो कंपैरिजन बेसिकली करने का मकसद ये था कि ये बेसिकली बुल साइकिल को समझाना एक मकसद था, इकोनॉमीज का तो मुझे पता है कंपैरिजन इनका बनता कोई नहीं है। ठीक है जी, तो सेशन जी के जो हम लास्ट टू पैटर्न बनते आ रहे हैं जिसको हमने एम शेप भी आपके किसी एक पब्लिक वीडियो में देखा था, उसमें कोरिलेशन पीरियड हमने एक्सपेक्टेडली 2 months का देखा था, इस दफा का जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो तो 2 माह से भी ऊपर काफी निकल गया, अभी अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम इसको रियली एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा कंसोलिडेट ही रहेगी 47-48 के दरमियान। देखिए अवैस, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले कंसोलिडेशन पीरियड जो था वो 2-2.5 महीने के बीच में होता था, और अभी बहुत ज्यादा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा है इतना बड़ा मार्केट ने कंसोलिडेट किया। देखिए मेन जो हमारा टारगेट है ना कि मार्केट 49,200 के ऊपर डेली तो कर जाएगी, वो किसी ना किसी तरह करके, हो सकता है एक दिन कर जाए, 2 दिन, मेनली जो चीज मैटर करती है वीकली और मंथली, वीकली मंथली इसके ऊपर मार्केट जब क्लोज कर जाएगी तो आपके फिर वो टारगेट प्रोमिनेंट एक दफा हो जाएंगे 60,000 और वो 65,000 वाला। ठीक है, तो इंशाल्लाह से ये जितना लंबा कंसोलिडेट करेगी चलेगी भी उतना अच्छा आपकी मार्केट। ये जिस तरह से आपको एक मैंने सिनेरियो बताया है कि ये क्योंकि हर बंदा इस लेवल को वॉच कर रहा है, जो बेस है उसके नीचे हर बंदा उसको वॉच कर रहा है, तो अब इस चीज की वो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट्स को मजीद करेक्ट करके उसको स्लिप करवाएं और दिखाएं ये देखो जी रेंज ब्रेक होगी और अब मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताया, जिस तरह से मैंने बताया सीमेंट कितना करेक्ट कर चुका है, ये ऑटो कितना करेक्ट कर चुका है, आईटी कितना करेक्ट कर चुका है, और बाकी जो सारी चीजें आपको बताई हैं वेटेज के हवाले से, तो आपको ये बताने का मकसद ये था कि मार्केट में गुंजाइश कितनी है नीचे जाने की, यहां से अगर चली भी गई मार्केट कितना मार लेंगे 500-800 पॉइंट, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो ट्रेंड है वो कहां पे चल रहा है और वो किस तरफ मार्केट जा रही है बताना सिर्फ ये मकसद है। ठीक है, तो क्योंकि जो कॉमन चीजें होती हैं, जिस तरह से मैं कहता हूं कॉमन चीजें जिसको हर बंदा देख रहा होता है उसको बहुत ईजी होता है और कह लें कि उसकी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बंदा देख रहा है कि ये भाई स्पोर्ट है, बार बार यहां से आके स्पोर्ट ले। अब खुद सोचें एक दफा नीचे मार्केट उसको जब ब्रेक करेगी तो मुझे सोचें कि जो मैंने वो वीडियो एनालिसिस दिया कितने बंदे मैसेज करेंगे मेरे भाई वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे चली गई मार्केट, अब क्या जा रही है हमारे, अब 45,000 पे जाएगी, अब ये होगा, अब वो होगा, वो एक पैनिक क्रिएट होगा, ट्रिगर होंगी वो हर चीज। लेकिन पहले जो कुछ हो चुका है वो लोग बोल चुके होंगे, लोग देखेंगे भाई ये लाइन ब्रेक हो गई है, अगली लाइन आ रही है अभी 45,000 पे, तो एक लाइन जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सकती आगे मार्केट के फ्यूचर को। तो ये जो मेन एक कुछ चीजें थी मार्केट को लेके देखने वाली वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वर्किंग को अपनी करें और बुल आगे जो इंशाल्लाह बुल रन इंशाल्लाह तैयार हो रहा है और जो स्टार्ट होगा उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं है कि वो बुल रन आ गया है आप चलने शुरू, आप देख रहे हैं भाई अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने अपना भी तरीका आपके साथ शेयर किया है और आप इंशाल्लाह से इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको कोई और तरीका अच्छा लगे उस तरह से भी आप कर सकते हैं।
तो ये कुछ चीजें थी इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इंशाल्लाह से आपको आगे की। भाई छोटा सा एक वो क्वेरी थी, जी जी, ये जो नॉर्मली हम स्क्रीन के ऊपर 4 स्क्रीन या 2 स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं, ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज? नहीं नहीं, इसी में होता है कि वो इसी में कोई ऑप्शन है इसके अंदर, अब मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन है इसी के अंदर, ऐसी ट्रेड के अंदर भी है, लेकिन उसके लिए आपकी ना वो जो स्क्रीन है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप में होनी चाहिए, तो इसी के ऊपर हो जाएगा, एसीएस ट्रेड के ऊपर हो जाएगा, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब कोई जो चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, जिस तरह से मैंने कहा वो रिसर्च, जो रिसर्च है ना वो डिफरेंस क्रिएट करती है, ये चार चार मॉनिटर्स लगा लेने, ठीक है, हर मॉनिटर के ऊपर डिफरेंट चार्ट ओपन हुआ है, और जनाब ये चार स्क्रीन है, और ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े से बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देखेंगे ना, मैंने देखा हुआ है, एक एक लैपटॉप लेके एक कोने में बैठे होते हैं और वो एनालाइज इतना बेहतरीन कर रहे होते हैं और इतना बेहतरीन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च आपकी कितनी अच्छी है, काम के ऊपर ग्रिप कितनी है, उसका फर्क पड़ता है। मैं एक लैपटॉप के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर यार काम करता हूं, मैं कोई मेटा स्टॉक नहीं यूज करता, कोई ऐसा एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता, सिंपल एसीएस ट्रेड के ऊपर जाके चार्ट को यूज करता हूं, आपके सामने रिजल्ट है, और रिजल्ट वो किसकी वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, वो रिसर्च की वजह से है, वो इन सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं है, ठीक है जी। तो रजा भाई आप कुछ कहने लगे थे, फिर मैं क्लोज करने लगूं सेशन। नहीं, वो मैं वही बोल रहा था, वो मल्टीपल चार्ट इसी में है, चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल, थैंक यू मीर भाई, ओके जी, गुड नाइट, ओके मीर, सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।